बाप रे, अंजलि की चड्डी दिखाई दे रही है, क्या करूं? अंजलि, मुझे नींद आ रही है, ऐसा करो लाइट बंद कर दो। मैं थोड़ी देर पढ़कर फिर बंद कर दूंगी। ओहो, इस बेवकूफ लड़की को कैसे समझाऊं समझ में नहीं आ रहा है। मौसम ठंडा है, कुछ ओढ़ क्यों नहीं लेती? मुझे ठंड नहीं लग रही है, तुम ओढ़ लो। क्या है? आओ, देखो सामने दीदी की चट्टी दिखाई दे रही है, उनसे कहो कि अच्छा नहीं लग रहा है, ढक ले वो। नहीं, अरे कहो ना उनसे। अरुण, अरुण, देख दीदी की चट्टी दिख रही है, उसको कुछ बोलना। दीदी, दीदी, आपका पीछे वाला सफेद कपड़ा दिख रहा है। ओ, 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 इसने तो ढिंढोरा पीट दिया। हिंदुस्तान मेरा देश है, हिंदुस्तान मेरा देश है, सारे हिंदुस्तानी, सारे हिंदुस्तानी मेरे भाई बहन है, भाई बहन है, सभी लोग एक दूसरे के साथ, सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर जिएंगे, मिलकर जिएंगे, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा, हमारा देश बहुत महान है, हमारा देश बहुत महान है, हमारा देश बहुत महान है। हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। हाँ, तुम हमेशा लेट आते हो, तुम बहुत बड़े राजा हो क्या जो रात भर शहर में घूमते रहते हो? हाँ, क्यों आते हो लेट, बताओ? दुख रहा है। उसको देखो, ए खड़ा हो, कौन है वो? तुम्हारा भाई है ना? अरे दो साल से फेल होकर तुम आज भी उसकी क्लास में पढ़ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो पढ़ाई में नंबर वन है, खेल में नंबर वन है, हर काम में नंबर वन है, तुम उसके पैर की जूती के बराबर भी नहीं हो, बेवकूफ कहीं के, घुटने के बल बैठो, बैठो घुटने के बल, और दोपहर तक उठना नहीं, अगर उठ गए तो तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, समझ गए? चलो बच्चों, पढ़ाई शुरू करो। जमीन का पानी गर्मी से भाप बनकर, गर्मी से भाप बनकर आकाश में जाकर बादल बनता है, आकाश में जाकर बादल बनता है, फिर हमको बारिश से पानी मिलता है, फिर हमको बारिश से पानी मिलता है। जगजीत सिंह की गजल की किताब कहाँ गई? वो पुलिस वाला कुमार लेके गया है, वो इतने आसानी से वापस नहीं करता, आप अगले हफ्ते ले जाइए। छुट्टी हो गई क्या? रोज रोज किताबें लेकर जाता है, क्या करता है? लगी का पाठ तो पढ़ा नहीं जाता और वो किताबें पढ़ाते हैं। चल रहे, अभी से जिंदगी के बारे में पढ़ोगे तो तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा। सुनिए भाई, ये क्या कह रहे हैं? इस लड़के ने आधे से ज्यादा किताबें पढ़ रखी हैं। उस लड़के ने मेरे शर्ट में इंक फेंक दी थी, अगर वो मेरे हाथ आया ना तो छोड़ूंगा नहीं। चलो स्कूटर पे बैठो, मुझे घर जाने का रास्ता पता है। पापा, स्कूल में टीचर ने उसको मारा था इसलिए वो नाराज है। ए सुनना, वो तेरे पापा है, फिर तू स्कूटर पे क्यों नहीं बैठा? वो मेरे पापा नहीं है। जिंदगी बहुत कठिन है, आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और हम सबको मेहनत करनी चाहिए। ए अच्छी तरह पढ़ो, ध्यान से। ए बेवकूफ, ये क्या मार्क्स लेकर आए हो तुम? 12, 6, 8 और 0, छोटे को देख कितने अच्छे नंबर लाया है वो। उसको तो पापा पढ़ाते हैं, मुझे पढ़ाने वाला कौन है? आपने सुना, आपने सुना इसने क्या कहा? आपका बेटा पढ़कर कलेक्टर बन जाएगा, पर ये तो बेकार ही रह जाएगा। ए, तुम्हारा लड़का मेरा लड़का क्यों बोलती हो? मुझे बाप नहीं समझता है और मुझसे दूर रहता है वो। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती की, अपनी माँ की बात सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया था, जो मैंने दूसरी शादी कर ली। हर काम में मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। मुझे बड़े बेटे का बहुत डर लगता है, उसके पिताजी शराब पीकर मारपीट करके जिंदगी क्या होती है जाने बिना ही कम उम्र में मर गए, कहीं ये भी अपने बाप की तरह न बन जाए इसी बात का डर लगता है। बोलो ना, वो सुधर जाएगा ना? तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसका पूरा ख्याल रखूंगा मैं, तुम फिक्र मत करो, मुझ पे विश्वास रखो।
पापा मुझे स्कूल में टीचर ने मारा और घर में माँ ने भी मेरी पिटाई की। मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता पापा। अगर आज आप जिंदा होते तो मेरा ये हाल नहीं होता। क्यों पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे सब डांटते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। अब मैं जीना नहीं चाहता पापा। ए सुनो, जो टीम जीतेगी उसे हम मद्रास लेकर जाएंगे और उसे वहाँ पर गवर्नर के हाथों कप मिलेगा। सर आप चिंता मत कीजिए, हमारी टीम ही जीतेगी। अरे मैं भी तो मद्रास घूमना चाहता हूँ ना। पापा मैं मद्रास जाने वाला हूँ पापा। किसने कहा तुमसे? अगर हम खेल में जीते तो हमें मद्रास में गवर्नर कप मिलेगा और सब कुछ टीवी और पेपर में आएगा। जरूर आएगा बेटा, सब पेपर पापा में आएगा। वो लोग कप मुझे देंगे या स्कूल में ही रख लेंगे? सब मिलके जीतेंगे इसलिए स्कूल में ही रखेंगे। पापा पापा। ए क्या बार बार पापा पापा चिल्ला रहे हो? अगर कप मिलना होगा तो मिल जाएगा। ए अब चुपचाप सो जाओ। ए उठ, आप सो जाइए। ए छोटे को चटाई पे सुलाना है। मैं ले आता हूँ, तुम उसको तंग मत करो। अब चुप रहेंगे तभी इन दोनों में प्यार बना रहेगा। अरे लड़का छोटा है इसलिए आराम से जीत जाओगे तुम लोग, ये मत सोचना। वो बहुत ही खतरनाक है, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो शायद जीत जाओ। दाएं हाथ के शोल्डर के नीचे इस जगह पर मारना, वहाँ की हड्डी टूटी है और उसमें प्लेट्स लगी है। मारने के बाद उसे वहाँ पर पकड़ोगे तो बहुत दर्द होगा और उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। ये सब तुम मुझे क्यों कह रहे हो? क्योंकि मुझे तेरी बहन से शादी करनी है। अबे चलना, तुझे जीतने का राज बता रहा हूँ, चल जा। ए, अगर तू जीतेगा तो अपनी बेटी से तेरी शादी करवा दूंगा। रो मत, तुम जीतोगे जरूर। हाँ पापा कह रहे हैं ना, तुम जरूर जीतोगे। ए मैं शादी में जा रही हूँ, खाना बना कर रखा है, तुम दोनों खा लेना। घर से बाहर मत निकलना, घर पर ही खेलना, समझ गए? ए सुनो, हम लोग शाम तक वापस आ जाएंगे। हाँ माँ जी, हम राजेश की शादी में जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। आते वक्त तंबाकू चूना लेते आना। हाँ ठीक है ठीक है। तेने तंबाकू खाओ खाकर सारी दीवार खराब करते। अपने बिहार से पैसे लेकर आई है ना। कल हम लोग ने जो कबड्डी मैच हारा उसका कारण तेरा भाई है, पता है तुझे? दाएं हाथ के शोल्डर के नीचे इस जगह पर मारना, वहाँ की हड्डी टूटी है और उसमें प्लेट्स लगी है। मारने के बाद उसे वहाँ पर पकड़ोगे तो बहुत दर्द होगा। कल तू रो रहा था और तेरा भाई तेरे को देख के खुश हो रहा था। तेरा दुश्मन तेरे घर में ही है, समझ गया ना? ए दरवाजा खोल। सुन रे, बाहर निकला तो जान से मार दूंगा, समझा क्या? घर में कदम रखेगा ना तेरा हाथ पैर तोड़ दूंगा। तू हंस रहा था ना, ले अब तू रोएगा। मेरे पापा की फोटो मत जलाओ, मत जलाओ। फोटो मत जलाओ। मैं पापा से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे पापा की फोटो मत जलाओ प्लीज। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे गलती हो गई, मेरे पापा की फोटो मत जलाओ। अब तू रो रहा है और मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। नहीं नहीं, बुझा दे उसको। देख मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं तुझे जान से मार दूंगा। मत जला।
करोड़ का चंदा दिया है तब जाकर मुझे इलेक्शन के लिए टिकट मिला है। सोना चौधरी इंडिपेंडेंट खड़ा हो रहा है क्योंकि उसे पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। उसे उसके जात के वोट जरूर मिलेंगे। अपने एरिया में वो बहुत ही फेमस है, उसके पास करोड़ों रुपये हैं और उसके पीछे गोवर्धन है। अगर वो खड़ा रहेगा तो वो जरूर जीतेगा। मेरा जीतना जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अरे वो रमन्ना मुझे धमकी दे रहा है, पर मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ। बांटूंगा एरिया से, मेरे किसी चमचे को भी खड़ा कर दोगे ना तो वो भी जीत जाएगा। हेलो रमन्ना, वो मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, उसकी गाड़ी में बैठो। क्या कहा रमन्ना ने, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है? मैं धमकियों से डरता नहीं हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? फ्रेंड्स के साथ फिल्म देखने जा रही हूँ। घर से कोई बाहर नहीं जाएगा, चलो अंदर बैठो। फ्रेंड्स इंतजार कर रहे हैं। अंदर बैठो चलो। उसको गुस्सा क्यों कर रहे हो? माँ क्यों मार रहे हो मुझे? इस घर से एक कुत्ता भी बाहर नहीं जाना चाहिए। पापा अपने मम्मी को ले जाएगी। रमन्ना मैं इलेक्शन में खड़ा नहीं हो रहा हूँ। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं अपना नाम वापस ले रहा हूँ। हेलो, सिक्योरिटी दे रहा हूँ ना, क्यों डर रहे हो? कितने दिन बचाओगे तुम मुझे? रमन्ना किस वक्त कहाँ से मारेगा किसी को कुछ नहीं पता। नहीं गोवर्धन, मैं रमन्ना के सामने खड़ा नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें बोला था तुम एमएलए बन जाओ, तुम्हें बना दूंगा मिनिस्टर। जिंदा रहूंगा तब मिनिस्टर बन पाऊंगा ना, मुझे नहीं बनना मिनिस्टर। यहीं पे पैदा हुआ मैं, झक मार रहा हूं झक। साला चारों तरफ देखो, रमन्ना 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 रमन्ना। जब तक वो जिंदा रहेगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, उसे मरना ही होगा। इससे पहले कि वो मुझे मारने की कोशिश करे हमें उसे खत्म कर देना चाहिए। भाई वो गाड़ी से बाहर आ रहा है, गाड़ी उधर लो। उसको फोन कर और बोल मुझे शाम को मिले। गोवर्धन आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा तेरे को। अरे वो छोटा लड़का है, उसे गोली चलाना क्यों सिखा रहे हैं? भाई आपसे कुछ बात। ए, इसको स्कूल छोड़ दे। सर नमस्कार। रमा भाई आप मेरी बात सुनो, मेरा आदमी रोज दारू पीकर मुझे मारता है, आप उसे मार डालो। ऑडिटर ऑडिटर आ रहे हैं नाच कर, पता नहीं उड़ कर जाएंगे कहां पर। गाना गा रहे साले, अभी तुम लोगों को सबक सिखाता हूँ। जाओ रमन्ना सर के दस्तखत लेके आओ, जाओ। टिंग टोंग, सबको नमस्कार, बाबा बोल रहा हूँ। अटेंशन प्लीज, अगला खाना 15 नंबर टेबल पर शुरू होगा, आओ खाओ। अरे चलो चलो खाना खा लेते हैं। आए, हाँ, चलो, 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 चलो। सांप के खाना खाने से पहले तुम खाना खाओगे? थोड़ा तो सबर रखो, बस आते ही होंगे। सब नमस्ते। मेरे को ये तो ले। भाई नमस्ते, मैं ऊपर आ रहा हूँ। खूब
ऊपर आइए। डॉन को पकड़ने के लिए 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, मगर डॉन को पकड़ना मुश्किल भी नहीं है और नामुमकिन भी नहीं है। भाई आप मद्रासी हैं? क्या रे, इतनी मेहनत करके मैं हिंदी बोल रहा हूँ फिर भी तू मुझे मद्रासी कह रहा है? आपके हिंदी बोलने की स्टाइल से मैंने पहचान लिया भाई। पहचानने से क्या होता है, मद्रासी लोग बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं। काम बताओ। मैं 10 दिन से यहाँ पर आ रहा हूँ, मैं रमन्ना भाई से मिलना चाहता हूँ पर उनसे मिल नहीं पा रहा हूँ। वो तो आते हैं और चले जाते हैं, अगर आप मेरी मदद करें तो मैं उनसे मिल लूं। क्या मेरी मदद से? हाँ, आपके खाना खाने के बाद सब लोग खाना खाते हैं, आप तो बहुत बड़े डॉन हैं। डॉन? इसने तो ट्रेलर देखा है, पिक्चर इसे क्या मालूम। मैं डॉन नहीं हूँ, मैं डॉन का चमचा हूँ। मैं समझा नहीं। पूरी कहानी बताता हूँ, आओ। क्या बात है भाई, आप तो रमन्ना भाई के राइट हैंड है फिर भी ये सड़ेली स्कूटर चला रहे हैं। ए, तुम बार बार मुझे रमन्ना का राइट हैंड मत कहो, अगर उनके आदमियों ने सुन लिया तो मेरा राइट हैंड निकाल देंगे, उसके बाद मैं एक हाथ से स्कूटर कैसे चला पाऊंगा। तो आप ग्रुप में करते क्या है? अगर इज्जत से सीधी सीधी भाषा में कहें तो मैं इस ग्रुप का गुलाम हूँ। गुलाम तो आप लगते नहीं है। इसी मुंबई में 6 साल पहले पानी पूरी का ठेला लगाकर चैन से जी रहा था। सुनो भाई, हाँ, एक प्लेट और पानी पूरी देना। तो ये क्या है, पानी पूरी को रसगुल्ला समझकर एक के बाद एक मुंह में डालते जा रहे हो? जिंदगी में कभी पानी पूरी नहीं देखी क्या? चलो लाओ पैसे निकालो। अरे मैं सेक्रेटरीट में बाबू हूँ। हाँ भाई, मैं बाबू सी और तुम माँ पोसी, हम दोनों मिलकर शिप खरीदने के लिए मुंबई आए हैं तुम्हारे व्यापार के लिए। चल ले पैसे निकाल। नहीं है ना, पैसे के बदले ये रख लेता हूँ। इस एरिया में दूसरा पानी पूरी वाला कोई नहीं है इसलिए तू ज्यादा अकड़ रहा है ना, पर कान खोल के सुन ले, यहाँ दूसरा पानी पूरी वाला जरूर आएगा, देखो तेरे सामने ही आएगा। ये देखा गया, हीरो का इंट्रोडक्शन है क्या? तेरी आंख में मिर्ची पाउडर डाल दूंगा, पोकट की पानी पूरी खा के गर्मी दिखा रहा है। नमस्ते जी। हाँ, मेरा नाम डेली है, मेरी दुकान इधर बहुत दिनों से है। मुझे मालूम है तू 5 साल से यहाँ पे पानी पूरी बेचता है, हमारा तो पानी पूरी का धंधा पुश्तों से है, समझ गया ना? खानदानी पानी पूरी वाले हो वो तो ठीक है, पर यहाँ से सरक लो, अगर कोई समस्या आ गई ना तो हम अंदर घुसकर दुकान लगा लेते हैं, तुम यहाँ समस्या मत खड़ी करो, चलो जाओ यहाँ से निकल लो। है नहीं जाऊँगा, मैंने पुलिस को 5,000 रुपए दिए हैं, वो दे दो चला जाऊंगा। अरे बाप रे, फिर क्या हुआ? दिखने में तो वो लल्लू जैसा दिख रहा था, मैंने सोचा डराऊंगा तो डर जाएगा। ए, क्या बोल रहा है तू, पुलिस को 5,000 रुपए दिया है तो उससे क्या होता है, एक लाफा दूंगा ना तो। हाँ, दुखाया तो खून कर दूंगा, पहले भी मैंने किया है, समझा? हाँ, शांति शांति। उसने अचानक चाकू निकाल कर गले पे टिका दिया, अब मैं सोचा कि उसे हटाऊं कैसे। मुझसे पानी पूरी खाने के लिए रामन्ना ग्रुप के आदमी आते थे, मैंने सोचा उनसे मिलकर ये मामला निपटा लूं। ये हमारे ग्रुप के लिए छोटा काम है, जाओ जाकर कोई बड़ा काम लेकर आओ। भाई साहब, मैं चाहूँ भी तो दाऊद इब्राहिम से तो झगड़ा नहीं कर सकता हूँ ना, आप जो चाहेंगे वो मैं दे दूंगा, मेरा काम तो आपके लिए बहुत छोटा सा है, प्लीज मेरा काम निपटा दीजिए भाई साहब। ठीक है, 3 दे देना। वो 5,000 रुपए मांग रहा था लेकिन यहाँ पर मेरे 2 बच रहे हैं, मेरा तो काम 3 में ही हो रहा है। भाई साहब, वो मुझे चाकू दिखा रहा था, आप उसका चाकू उससे छीन कर उसके शरीर से खून निकाल कर उसी को दिखा देना, आपके पैसे पहुंच जाएंगे। हाँ ठीक है बाबू, तू ये काम कर दे। ठीक है भाई। अब बताता हूँ, तुम्हारी कितनी भी पानी पूरी खाऊ लेकिन मेरा पेट हल्का का हल्का ही रहता है। ध्यान से देखो, कहीं पेंट में ही हल्के तो नहीं हो गए हो, पानी पूरी खा खा के अपना क्या हाल कर लिया देख तो सही जरा। रुक रुक, 2 मिनट में ये दुकान उठेगी बेटा। आऊंगा बोला था, अभी तक आया क्यों नहीं? आ गया। चल निकल यहाँ से, मैं हूँ डॉन। भाई साहब, सब काम ठीक ठाक हो गया है? नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, पैसे लेके आया हूँ। हाँ हाँ, ला ला ला, ये लीजिए भाई साहब। अबे गधे के बच्चे, मुझे बेवकूफ समझ रहा है क्या? 3 लाख मांगे थे और तू 3,000 दे रहा है? भाई साहब, आप क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया, आपने 3 कहा था, मैं 3 लाया। 3 रुपए बोलने का मतलब है 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपया? अरे बाप रे, लाखों रुपए पैसे वालों के पास होते हैं, पानी पूरी वाले के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? आपको साफ साफ कहना चाहिए था ना, मैं आपसे काम ही नहीं करवाता, जबरदस्ती बुला लिया आपको। भाई साहब, जैसा इसने मुझे पीटा आप भी इसे पीट कर मुझे यहाँ से जाने दो। ए, ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, इसे अपने पास रखो और जब तक 3 लाख रुपए वसूल ना हो जाए काम करवाओ।
तो 3 लाख रुपए वसूलने के लिए मुझे वहाँ पर रख लिया है। इतनी सस्ती कहाँ मिलेगी, कुछ भी बोल देते हैं। जाओ 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 जाओ, ले लेना। जाओ। क्या हाल चाल है आपके भाई साहब? नमस्कार भाई साहब। ये भाई साहब का नाम है पारस मणि। कोयम्बटूर मार्केट में सब्जी की दुकान मिली नहीं, इसलिए बॉम्बे में ही सेटल हो गए हैं। भाई साहब कहाँ से हैं? ये भी मद्रासी है। भाई साहब आज बुधवार है ना, तो मैं सांभर बनाने की सोच रहा हूँ। प्याज डाल के बना लो। अरे नहीं नहीं, अगर इसे खाकर मूड बन गया तो मुझे लड़की लाने के लिए कहने लगेंगे। तो भिंडी डाल देना। उससे तो उनका दिमाग तेज हो जाएगा। जब तक वो बेवकूफ है तभी तक हम लोग सेफ है। तो मिक्स दाल में बना दो। अच्छा आइडिया है, लेकिन उससे उनके पेट में गैस हो जाएगी और हम लोगों के नाक के बाल जल जाएंगे। तो फिर लौकी काट कर उसमें कांदा काट के डालो और स्पेशल खाना बना डालो। भाई साहब हाथ मिलाइए, दरअसल मुझे ठीक से खाना बनाना आता ही नहीं है, इनसे सीख कर बनाकर उन्हें खुश कर देता हूँ। भाई साहब मेरा वाला कुकर तैयार है ना? अरे मच्छी रेडी है, मैंने सब मसाले डाल रखे हैं। 3 सीटी बजते ही कुकर उतार देना वरना मच्छी खराब हो जाएगी। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, मैं एक फोटो निकाल लेता हूँ। फोटो मेरी फोटो, थोड़ा और ऊपर कीजिए, ऊपर। हाँ, स्माइल प्लीज, थोड़ा और ऊपर लीजिए भाई। तो ये है आपका राज? नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि आपके खाने के बाद सब लोग खाते हैं, ये पता चल गया। ओ ये बात है। हाँ। वो मेरी इज्जत विज्जत नहीं करते। हाँ। कहीं मैंने खाने में जहर तो नहीं मिला दिया, ये सोचकर पहले मुझे टेस्ट करवाते हैं। वहाँ आपकी पगार कितनी है? महीने का 2000 रुपए मिलता है, 102 महीने काम करूंगा। एक तो पहले दे दिया, बाकी के 2 चुक जाएंगे। नहीं नहीं, 2,04,000 रुपए हो जाएंगे। सही कह रहे हो, पर एक बार भागने की कोशिश की थी ना, तो 4,000 रुपए उन लोगों ने और चढ़ा दिए। चू चू करके कुत्ते को मत बुलाओ, चलो। ये कौन सी शराब ले आए हो? मैंने जो कहा था वो नहीं लाया क्या? ये क्या ले आए हो? चिप्स एकदम नरम हो गया है। अरे चिकन विकन नहीं ला सकते थे क्या? अक्कल नाम की चीज ही नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो कि मुफ्त की शराब पी रहा हूँ और ऊपर से चिकन चाहिए, इन सब के लिए मुझे पैसे देना चाहिए, यही सोच रहे हो ना? मैं वैसा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। क्यों, उससे भी ज्यादा गिरा हुआ सोच रहे हो? देखो भाई, मुझे हर हाल में रमन्ना से मिलना है। मेरी बात मानो, छोटे मोटे कामों के लिए उसका एक असिस्टेंट है जो सारा काम संभालता है, मैं उससे तुम्हारी तकलीफ बता दूंगा। तुम 4,000 रुपए दे दो, मैं उससे कह दूंगा, तुम्हारा काम निपटा देगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता भाई, मैं उनको अपनी तकलीफ खुद बताना चाहता हूँ। जैसे बंदर बार बार पेड़ में चढ़ने की कोशिश करता है, वैसे ही तुम भी रामाना रामाना लगा के रखे हो। एक काम करो, उनके घर जाकर मिल लो। हाँ जाओ जाकर मिल लो, वो घर के बाहर कुर्सी डालकर बैठा होगा, मिल लो। ओह ये तो अच्छा होगा। वो क्या कोई पान वाला है क्या? उसके चारों तरफ भूत खड़े रहते हैं, उसके पहले कुत्ते खड़े रहते हैं, उसके पहले 2 डायनासोर खड़े रहते हैं। इनको पार करके तुम उनसे मिल पाओगे? उससे पहले ही वो तुम्हें नोच खाएंगे, समझे क्या? तू अपनी परेशानी मुझसे बोल, वहाँ जाने की मत सोच, मैं हूँ ना। ए ले तू ये दारू पी और चिप्स खा। लेने पीले पीले यार, लीजिए आराम से। ये तो आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी गन है, आप चिल्लाए तो मैं डर गया, आप क्यों डर रहे हैं? ये लीजिए पकड़िए। मुझे गन क्यों दिखा रहे हैं? सर आपके घर के सामने जो सिक्योरिटी है बहुत ही वीक है सर, घर के सामने खड़े होकर गप्पे मारते रहते हैं, पीछे की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। कंपाउंड में एक बड़ा सा नारियल का पेड़ है जो सीधा आपकी बालकनी तक आता है, उस पे अगर एक पाइप लगा दिया जाए तो सीधे आपके बाथरूम में पहुंच सकते हैं। यहाँ कर देखिए जरा, लेकिन बाथरूम बड़ा अच्छा बनाया है। मैं तो अच्छा आदमी हूँ सर, इसलिए आप बच गए। आपका दुश्मन होता ना तो सीधा शूट कर देता, और कल सुबह क्या होता, शहर की हर गली में आपके मरने की तस्वीरें छप जाती। सर आपको ना सावधानी रखनी चाहिए, सिक्योरिटी को टाइट करना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? सर वो क्या है ना कि मैं बहुत दिनों से आपसे मिलना चाहता था लेकिन मिल नहीं पा रहा था, इसलिए रात को नारियल का पेड़ बाथरूम यहाँ तक आ गया सर, सॉरी सर। कल ऑफिस में आकर मिलो। सर थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। इसको ऑफिस में लेकर जाओ। पहले मटन ले जाओ, फिर सब्जी ले जाओ, अब इसको ले जाओ। क्या हुआ, चेहरे पे 12 क्यों बज गए? अब रमन्ना मेरे पॉकेट में है। रमन्ना कोई मिठाई है क्या जो पॉकेट में रख के ले जाओ? सच बताओ, मुझसे छुपा नहीं सकते। तुम्हारी शक्ल पे लिखा है कि तुम मुझे फंसाना। ये क्या है, मैंने कोई ऑस्कर अवार्ड हाथ में पकड़ा है क्या? ये तो सब्जी वाला और कुकर है, वैसे इसका तुम करोगे क्या? मैं इसे रमन्ना को दिखाऊंगा। सर 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 इधर आए सर, इधर आइए सर, इधर आइए सर। चाहते हो तुम? सर रेस में जो घोड़ा दौड़ता है लोग उसी को पालते हैं, अगर घोड़ा लंगड़ा हो तो लोग उसे सीधा गोली मार देते हैं। सर मुझे खाना नहीं बनाना आता, ये बात उन्हें पता चल गई तो वो लोग मुझे गोली मार देंगे, मुझे बचा लीजिए सर। मैं कोशिश करूंगा। मैं क्या पूरे हिंदुस्तान को बचाने की बात कर रहा हूँ? जो कोशिश करता हूँ कह रहे हैं, इस दिल्ली को आप ही बचा सकते हैं सर।
हे, ये कैसा नाम रखा है दिल्ली, और रहते हो मुंबई में हो? सर आपको पसंद नहीं तो मैं बदल दूंगा, बिहार, आसाम, कश्मीर, अफगानिस्तान, जैसा आप कहेंगे वैसा रख लूंगा सर। ये फोटो उनको मत दिखाइएगा सर। ठीक है, तुम एक काम करो, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर सीधे चल के जाओगे तो अन्ना की दुकान आएगी, वहाँ से मसाला डोसा और इडली खरीदना और तुम दबा के निकल जाना, समझ गए? लेकिन वहाँ तो गंदी बात है। तो नाक बंद कर लेना, वहाँ से सीधे चलते जाना, रास्ते में सेठ गर्मा गर्म जलेबी बनाता होगा, वहाँ से लेफ्ट निकल जाना, वहाँ पर एक लड़का पानी पूरी बेच रहा होगा, उससे पानी पूरी खरीदना, और ये सब तुम्हें आधे घंटे के अंदर करना है, समझे? अगर आप मुझे 5 मिनट का वक्त दें तो सारी चीजें मैं यहीं दिला सकता हूँ। मुंबई ट्रैफिक के हिसाब से ये सब लाने में 2.5 दिन लगेगा। आप ये सब जानबूझ के कर रहे हैं ना सर। मसाला डोसा खाने वाला तुरंत जलेबी तो खा ही नहीं सकता सर, और अगर खाएगा भी ना सर तो उसे तकलीफ हो जाएगी। मैं सब समझ गया सर, मैं जाता हूँ सर। सर ये तो मुझे पहले करना चाहिए था, मैं भूल गया। मैं 5 मिनट में लेकर आता हूँ सर। बोलो। मेरी दुनिया बहुत छोटी है, उससे मिलने से पहले मेरा कोई नहीं था, उससे मिलने के बाद मेरी दुनिया ही बदल गई सर। उसने सिर्फ मेरे लिए जन्म लिया है, वही मेरी सब कुछ है, और मेरी सांसों और मेरी जिंदगी का नाम है अंजलि। Angel, lovely angel, sweetie angel. मार मार नाक पे मार, नाक पे कोई, अबे मेरे नहीं उसके नाक पे मार। तुम इस तरह से खेलोगे तो जरूर जीत जाओगे। ओके सर। बाय। तेरे हर एक पंच में बहुत जोश होता है, इसी तरह खेलते रहोगे तो नेशनल गेम्स में जरूर जीतोगे। बचा कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, ओलंपिक। माइक माइक, इन सब से जीतने के बाद ही कल के सिलेक्शन में मेरा नाम आ सकता है। डाउट की बात तो नहीं है, पर एक छोटा सा डाउट है। क्या डाउट है? तुझे लगता है कि मैं तुझे अच्छी कोचिंग दे रहा हूँ? माइक, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप बहुत बड़े कोच हैं, आपकी ताकत आपको खुद नहीं पता। ये बात अभी मत कहो, जीतने के बाद इंटरव्यू में माइक पे बोल देना, यही मेरे गुरु हैं, इन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया है, तो मेरी पब्लिसिटी हो जाएगी, अपनी बॉक्सिंग एकेडमी मैं डेवलप कर लूंगा और एक बड़ा सा फ्लैट लेकर मद्रास में सेटल हो जाऊंगा। ऑल द बेस्ट अंजलि। बाय मंजू। थैंक यू। कहाँ हो तुम? मैं घर पर रही हूँ गुरुजी। घर पर क्या कर रहे हो? अपने लिए ऑमलेट बना रहा हूँ गुरुजी। लाइट वेट कैटेगरी शुरू हो गया और तुम ऑमलेट बना रहे हो, तुम्हारी कैटेगरी के बॉक्सर्स आ गए। चिंता मत कीजिए, पहुँच जाऊंगा। ओह माय गॉड, सॉरी, मैंने देखा नहीं, गलती हो गई, सॉरी। अंधे हो क्या? This is highly ridiculous. तुम्हें जरा भी अकल नहीं है क्या? मेरे सारे ख्वाब, मेरी जिंदगी, तेरे सब कुछ खराब हो गया। हेलो हेलो हेलो, कागज से बने हुए मामूली घर के लिए इतना क्यों चिल्ला रही हो? हाँ? What? कागज का घर है? This is a modern house. मिनिएचर पता है? सुनिए, आपका लेक्चर सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, जब फ्री हो जाऊंगा तब बताना। सिग्नेचर क्या होता है, मिनिएचर क्या होता है? How dare you talk to me like that? मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, आज 10 बजे मार्क बिल्डर से मेरा इंटरव्यू है। ये प्लान सिलेक्ट हो गया तो मुझे अपॉइंट कर लिया जाएगा। मेरे करियर को तुमने खराब कर दिया। हेलो हेलो, देखिए आप रोइए मत, सब लोग देख रहे हैं। मैंने कहा ना, मुझसे गलती हो गई, मार्क बिल्डर में आप इसका प्रेजेंटेशन देने जा रही थी ना। आप चलिए, मैं 5 मिनट में वहां आता हूँ, इसे ठीक करके ले आऊंगा। प्लीज प्लीज, पिकअप पिकअप पिकअप, यू बगैर उठा रे,
बोलो जोई। नहीं, नेक्स्ट मेरा नंबर है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। 8x6 double door लीजिए, हो गया। देखा मेरा कमाल, ये देखो कैसा है, बढ़िया है ना। बाप रे, कार पार्किंग तो फर्स्ट फ्लोर में है। किचन बदल गया। बाप रे, तुमने सब बदल दिया है। This is not my plan. अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब बदल गया है, सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं नहीं जाऊंगी। देखिए, जैसा भी ऐसे काम चला लीजिए। संजली, please come inside. मैं नहीं जाऊंगी। मैंने अगर ये मॉडल दिखा तो वो लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे। कुछ भी वर्कआउट नहीं होगा। साथ चलो। आओ। हेवीवेट कैटेगरी, अर्जुन अंशा। तुमने मरवा दिया मुझे। What is this? कार पार्किंग और किचन फर्स्ट फ्लोर में है। एनी कंफ्यूजन? यस कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन सर। वी हैव एन एक्सप्लेनेशन सर। ये प्रोजेक्ट सर किस एरिया में बनने वाला? बांद्रा में। बांद्रा में? बांद्रा में कहाँ सर? पाली हिल में। पाली हिल, उसी को बेस बनाकर हमने प्लान किया है सर। सर, वहाँ पर बारिश में 7 फीट पानी भर जाता है। फाइबर बोट से आना जाना पड़ता है सर। वहाँ के लोगों को मकान खाली करके होटल में जाना पड़ता है, या तो पानी निकलने तक फर्स्ट फ्लोर पे रहना पड़ता है। इसीलिए किचन अगर फर्स्ट फ्लोर पे होगा तो बारिश के दिनों में खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होगी। गाड़ी बारिश में खड़ी हो तो उसके इंजन का क्या होगा? अरे बोलो ना, क्या होगा? हाँ, इसीलिए गैरेज भी फर्स्ट फ्लोर पे ही बनाया है। आपने धर्मेंद्र की पिक्चर माँ देखी है? जटिया मुल्ला पगला दीवाना और रब्बा, इतनी सी बात न जाना कि वो मैनू प्यार कर दिया। सर, आपको पता है उसमें कार पार्किंग कहाँ थी? फर्स्ट फ्लोर पे, बेडरूम में। बिजनेस का सबसे बड़ा उसूल ये है कि हमारे प्रोडक्ट में हमेशा बदलाव आते रहना चाहिए। कलर बदलना चाहिए, रंग बदलना चाहिए, रूप बदलना चाहिए। जहाँ तक घर का मामला है, वो आरामदायक होना चाहिए और सुरक्षित भी। इसलिए मैडम ने बहुत ही सोचने समझने के बाद ही ये डिजाइन बनाई है सर। क्यों है ना? गुरुजी, गुरुजी, मैंने जानबूझकर। ए, तुम्हारा आइडिया पसंद आया। कल सुबह अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए बुलाया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच। जो मैंने तुम्हें गाली दी थी उसके लिए आई एम सॉरी। इस कंपनी को ज्वाइन करना मेरा ख्वाब था। मुझे कांग्रेट्स नहीं कहोगे? कांग्रेट्स। मेरा सपना था कि बॉक्सिंग का नेशनल चैंपियन बनूं। उसी का सिलेक्शन था आज। वहीं जाने की जल्दी थी सुबह, तभी तुम्हारा मिनिएचर गिर गया। सिलेक्शन का टाइम खत्म हो गया। मैं सिलेक्शन में नहीं पहुंच पाया, इसलिए मेरा नाम हटा दिया गया। I'm sorry, extremely sorry. अब सॉरी कहने से क्या फायदा, सब कुछ खत्म हो चुका है। No, सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है। चलो चलते हैं। सिलेक्शन ओवर, अब कोई चांस नहीं। मैं भी सोच रही थी चांस नहीं है, लेकिन मैजिक हुआ ना, उसी तरह ये भी होगा। चलो मेरे साथ। मुझे माफ कर दीजिए। कुछ मत बोलो, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी मालूम है? ऐसा मौका दोबारा नहीं आता। सर, इसमें अर्जुन की कोई गलती नहीं, वो मेरे कारण यहाँ नहीं पहुँच पाया। मैं बताती हूँ, पहले ये बताइए, इसका कोई चांस? सिलेक्शन कमेटी में 4 लोग हैं, उनमें से 3 घर चले गए। नंदिनी मैडम ही बची है। ये क्या कोई मिनिस्टर है? इसके लिए वापस अनाउंसमेंट करेंगे? ये क्या कोई स्कूल है? लेट हो गया बोलकर सर झुका कर खड़ा हो गया। अभी मैडम कहाँ मिलेंगी? ऑफिस में। मैंने बात करके देखा, उन्होंने मना कर दिया। हेवी वेट चैंपियन मिस्टर राजेश से कहना कल मुझे ऑफिस में आकर मिले। हाय मैडम, आई एम अंजलि। ये साड़ी आप पर बहुत खिल रही है। तुम्हें क्या चाहिए? सिलेक्शन में अर्जुन नाम का कैंडिडेट है ना मैडम? उसका नाम हमने हटा दिया है, वो कल आया ही नहीं था। अभी अभी आया है मैडम। सिलेक्ट की हुई लिस्ट कल दिल्ली भेज दी गई है। मैडम प्लीज कुछ तो कीजिए, उसका फ्यूचर खत्म हो जाएगा। तुम बच्चों की तरह बात कर रही हो, रूल्स के मुताबिक कुछ नहीं हो सकता। नेशनल एंथम के वक्त किसी को हिलना नहीं चाहिए, यही नियम है ना? लेकिन कोई चाकू लेके आए तो नियम का पालन होगा? रेड सिग्नल के वक्त सभी गाड़ियां रुक जाती है, यही नियम है ना? पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए ये नियम लागू होते हैं क्या? ये सारे नियम लोगों की भलाई के लिए है ना मैडम? उठो, प्लीज दया कीजिए मैडम, उठो। ये क्या कर रही हो? मेरी बात मानो मैडम, प्लीज उठो। आप मुझे अपनी बेटी समझकर मेरी मदद कीजिए। किसी के भी सपने टूटने नहीं चाहिए, उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। प्लीज मैडम, प्लीज
मदद कीजिए। पहले तुम उठो, तुम मेरे सामने गिड़गिड़ा रही हो इसलिए एक एड्रेस दे रही हूँ, एकेडमिक चेयरमैन विश्वनाथ, उनसे जाकर मिलो, काम होगा या नहीं ये मुझे पता नहीं। थैंक यू सो मच। ये क्या हो रहा है अर्जुन, वो पैर पकड़कर रो क्यों रही है, कौन है रे? उस लड़की ने एग्मोर में रहने वाले चेयरमैन विश्वनाथन से अपॉइंटमेंट ले लिया है, तो फिर तुम कन्नौर में रहने वाले वाइस चेयरमैन बालकृष्णन से क्यों मिल रहे? यहाँ से एग्मोर जाने में 3 घंटे लगते हैं, तब तक काम खत्म हो जाएगा, टाटा बाई बाई बोल के वो मुंबई पहुँच जाएगी, इसलिए कन्नौर जा रहा हूँ, आने जाने का ट्रिप मिलेगा, 3 दिनों तक हम दोनों साथ रहेंगे, मैं और वो और मैं, मौका देख कर आई लव यू बोल दूंगा। इतने दिन तो बॉक्सिंग में ही एम्बिशन थी तुम्हारी, लेकिन अभी एक लड़की को देखते ही लव हो गया तुम्हें, स्टेडी माइंड क्यों नहीं रखते हो, सोच क्यों बदलते रहते हो, क्या करना है पहले तय करो। क्यों गुरुजी, एम्बिशन के साथ लव नहीं हो सकता क्या? बोलिए, बॉक्सिंग करते करते 40 साल हो गए आपको, बुढ़े हो गए आप, इसके बाद भी शादी नहीं हुई आपकी? ए, मैं तो 35 का हूँ। ठीक है, 5 साल कम सही, मैट्रिमोनियल में जाने के बाद भी आपको लड़की नहीं मिल रही, और अगर मुझे मिल रही है तो आप मना कर रहे हैं, टाटा बाय बाय करने के लिए कह रहे हैं, जाने वाली है। अरे लेकिन ये बताइए कि मैं जा रहा हूँ या आप जा रहे हैं, उतारिये नीचे, एक अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, मुझे बेस्ट ऑफ लक तो कहिए। ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक यू, ओके, सी यू, बाय, सी यू, सी यू। अरे बाप रे, अंजलि की चंटी दिखाई दे रही है, क्या करूं? अंजलि, मुझे नींद आ रही है, ऐसा करो लाइट बंद कर दो। मैं थोड़ी देर पढ़कर फिर बंद कर दूंगी। ओहो, इस बेवकूफ लड़की को कैसे समझाऊं समझ में नहीं आ रहा है। मौसम ठंडा है, कुछ ओढ़ क्यों नहीं लेती? मुझे ठंड नहीं लग रही है, तुम ओढ़ लो। हेलो गुरुजी, अंजलि की चट्टी दिखाई दे रही है। ये बताइए मैं क्या करूं? अरे वहाँ उसकी चड्डी दिखाई दे रही, तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ? अब चड्डी दिखाना तो फैशन है, तू सो जा। एक आदमी उसे घूरे जा रहा है, बताइए ना क्या करूँ? भले ही मेरी अभी तक उससे शादी नहीं हुई, लेकिन है तो लवर, कुछ तो आइडिया दीजिए ना गुरु। जो मैं बोलूंगा वो करेगा क्या? हाँ जरूर करूंगा गुरु, बदलेगा तो नहीं ना? हाँ बिल्कुल नहीं बदलूंगा, बोलिए। अब फोन रख। हाँ फोन रखना। हेलो गुरु, गुरु गुरु गुरु, इससे तो पूछ कर ही गलती की मैंने। क्या है? आओ देखो, सामने दीदी की चट्टी दिखाई दे रही है, उनसे कहो कि अच्छा नहीं लग रहा है, ढक ले वो। अरे कहो ना उनसे। अरुण, अरुण देख, दीदी की चट्टी दिख रही है, उसको कुछ बोलना। दीदी दीदी, आपका पीछे वाला सफेद कपड़ा दिख रहा है। इसने तो ढिंढोरा पीट दिया। चेन्नई से एक जरूरी काम से बालकृष्ण सर से मिलने जा रहे हैं। अरे लेकिन वो तो चेन्नई में है। नहीं मैडम, हमने ऑफिस में फोन किया था, उन्होंने बताया कि वो कन्नौर गए इसलिए यहाँ आ गए। किसी ने गलत कह दिया होगा, वो कल सुबह जरूर आ जाएंगे। आप डांस भी सिखाती हैं? मैंने कोयम्बटूर आर्ट कॉलेज से PhD की है, मैं क्लासिकल डांसर भी हूँ, हमारी लव मैरिज हुई थी, इन्हीं के साथ मैंने नृत्य कला में और महारत हासिल की है। आज की रात आप लोग यहीं रुक जाइए, कल सुबह आप सर से मिलकर ही जाइएगा। यहाँ कोई होटल मिलेगा? होटल की क्या जरूरत है, हमारे पास गेस्ट हाउस है ना। छोटू छोटू इधर आओ, इनको गेस्ट हाउस में लेकर जाओ, और ध्यान रखना इनको किसी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। थैंक यू मैडम।
अजीब बात है, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी आम आदमी की तरह ट्रेन में सफर कर रही है। आपको अपने स्टेटस का जरा भी ख्याल नहीं है? घर से बाहर निकलते ही मेरा स्टेटस खत्म हो जाता है। किसी आम आदमी में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। दवाई की एक्सपायरी डेट देखनी चाहिए किसी का, स्टेटस नहीं। गुणों की तरफ ध्यान दो, स्टेटस भूलो। आपके पापा कैसे हैं? आपकी तरह? मेरे पापा आज के जमाने के अर्जुन हैं। बहुत मुसीबतों का सामना किया है। पहले उन्होंने कंस्ट्रक्शन बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें उन्हें सक्सेस मिली। फिर उन्होंने टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया, उसमें भी उन्हें सक्सेस मिली। टेक्सटाइल और कंस्ट्रक्शन दोनों ही बिजनेस में उन्हें सक्सेस मिली, पर अपने एम्बिशन के बिजनेस में वो पूरी तरह हार गए। हर आदमी का सपना होता है कि उसकी एम्बिशन पूरी हो, और तुम्हारी एम्बिशन पूरी होने के लिए ही तुम्हारा साथ दे रही हूँ अर्जुन। चाहे किसी भी फील्ड में सफल हो जाओ, पर बॉक्सिंग में फेल हो गए तो पूरी जिंदगी दुखी रहोगे। जिस तरह आप खुलकर बात कर रही हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। पर तुम भी तो खुलकर बात करते हो। मैं आपसे खुलकर बात नहीं कर रहा हूँ, आपसे एक बात छुपाई है मैंने। और क्या है वो? मैं आपसे कहना तो चाहता हूँ लेकिन कह नहीं पा रहा हूँ। मैं बहुत सुंदर हूँ, यही कहना चाहते हो ना? नहीं नहीं, मैं झूठी तारीफ नहीं करता। What? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। क्या है कि आज मेरा बर्थडे। Really? Many many happy returns of the day. चलो जश्न मनाते हैं। बोलो कहाँ से शुरुआत करें? मैंने रास्ते में एक थिएटर देखा था, उसमें रोमांटिक मूवी लगी है। वक्त हो गया है, घर में माँ परेशान होगी। ऐसा ही डायलॉग बोलेगी देखना। देर हो गई, माँ परेशान होगी। मैंने कहा था ना यही डायलॉग बोलेगी। उसके साथ रहते हुए मुझे एक एक पल बहुत खुशी मिलती थी। उसकी बातें, उसकी हंसी, ये सब मुझे बहुत पसंद थे, और मैं किसी भी सूरत में उससे अलग नहीं होना चाहता। तुम प्यार करने वालों से नफरत करती हो? प्यार करने वालों से? मैं प्यार से नफरत करती हूँ। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मुझे वो बेमतलब का लगता है। आज सारी दुनिया प्यार को मानती है, और तुम कहती हो कि प्यार का कोई मतलब ही नहीं है। कभी प्यार करने वालों को देखा है क्या? चार बार पुकारो तो मुड़ कर देखते हैं। उनको पूरी दुनिया आउट ऑफ फोकस दिखती है। एक बस के लिए दो मिनट भी खड़े नहीं रह सकते, लेकिन किसके लिए चार घंटे खड़े रह सकते हैं? रात भर बातें करेंगे, करते रहेंगे करते रहेंगे, रात खत्म हो जाएगी पर बात नहीं। फिर दूसरे दिन वही सारी बातें होंगी। ये तो अच्छा हुआ मैं प्यार नहीं करती। मैं दो दिन से तुम्हारे साथ हूँ, पर सिर्फ दो ही फोन कॉल हुए हैं। एक मैंने पापा को फोन किया था और दूसरा पापा ने मुझे किया। अगर मैं प्यार में होती तो 50 कॉल्स और 200 मैसेजेस आए होते। खाना खाया, सोई, ब्रश किया, कौन सी ड्रेस पहनी है, कौन सा रंग का नेल पॉलिश लगाया है, ये सारे सवाल पूछता मुझसे। नाखून कटे तो भी बताना पड़ता, छींक आए तो भी बताना पड़ता, सारी रिपोर्ट देनी पड़ती। डार्लिंग, क्यूटी, स्मार्ट, ये सब SMS भेजने पड़ते। एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया तो गए काम से। क्या हुआ, क्यों मुझे भूल गई, पसंद नहीं करती क्या, इस तरह के 100 SMS भेजेगा। मेरे ख्याल से प्यार करना लड़की के लिए एवरेस्ट की चोटी चढ़ने जैसा है। मुझे फ्रीली जीना पसंद है। क्या हुआ? मैं जानती हूँ बाल कृष्ण सर क्या कहेंगे, इसी बात का टेंशन है ना? नहीं नहीं, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। ए वहाँ पर, वहाँ देखो, केरला स्पेशल, वहाँ रिलैक्स करे। बाप रे, वहाँ कैसे जा सकते हैं? तुम ड्रिंक करते हो ना? तुम ज्यादा सोचो मत, बी फ्रैंक। मुझे आदत नहीं है, कभी कभार ओकेशनली ले लेता हूँ बस। तुम्हारी बर्थडे पार्टी में मैं कंपनी दूंगी, चलो। हेलो, तुम मुझे कंपनी कैसे दे सकती हो? हेलो, आई एम अ टी टोटलर, ओके? टी टोटलर, यस। अंधे से पूछ कर देखो ताजमहल कैसा होता है, वो क्या जवाब देगा। वैसे ही तुम भी हो, प्यार के बारे में
तुमने एक एक करके हजारों बातें बोल दी, लेकिन प्यार क्या होता है ये तुम नहीं जानती। ये भगवान, भूत, प्यार सब एक जैसे होते हैं। जब तक सामने नहीं आएंगे इनको समझ नहीं पाओगे, इन पे भरोसा नहीं कर पाओगे। लेकिन जब प्यार हो जाता है, लव इज अ वंडरफुल फीलिंग। मैं समझाता हूँ, जब किसी की माँ मरती है, बाप मरता है, भाई मरता है, बहन मरती है या आसपास का कोई और मरता है, तो लोग क्या करते हैं? वो दुखी होते हैं, रोते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी खुदकुशी नहीं करता। लेकिन प्यार करने वाली लड़की का प्रेमी मरे या लड़के की प्रेमिका मर जाए तो उसके लिए पूरी की पूरी दुनिया बेकार हो जाती है। अरे कोई भी पेपर उठाकर देख लो, उसमें तुम्हें लड़के या लड़की के मरने के कितने सारे समाचार मिल जाएंगे। इस दुनिया में ना प्यार से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। पता है कितने लोग हैं जो प्यार में? साहब जी, आप प्यार के बारे में इतना समझा रहे हैं, मैं समझ गया साहब जी। मैंने भी एक लड़की से प्यार किया था साहब जी, मैंने उसे प्यार के बारे में समझाया, लेकिन वो जहर पी के मर गई साहब जी। लेकिन मैं भी जा रहा हूँ, एक लड़की को ढूंढ कर उससे शादी करूंगा। ये बेवड़ा है, बकवास कर रहा है। लेकिन एक बात कहूं, प्यार करने वाला खुद चाहे मर जाएगा, लेकिन जिससे प्रेम करता है उसका बुरा कभी नहीं चाहेगा। इसी को कहते हैं सच्चा प्यार। प्यार के सामने सब बेकार है, और अगर ये प्यार शादी में बदल जाए तो उससे बढ़कर खुशी की बात और कुछ नहीं होगी। क्या फीलिंग है ये! वाह! थैंक यू। एक बात कहूं आपसे, बुरा तो नहीं मानेगी? क्या है? मैं बहुत दिनों के बाद बिना चखने के शराब पी रहा हूँ, इसलिए थोड़े से अचार का इंतजाम कर दीजिए ना, एक पीस भी चलेगा। प्लीज। नाइस स्माइल। हेलो, वहाँ कहाँ जा रही हो? ये रास्ता बस स्टैंड की तरफ जाता है। नहीं, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, यही सही रास्ता है। हेलो, सुनो, हम थोड़ा घूम कर भी जाएंगे तो चलेगा, लेकिन इस रास्ते पर मत जाओ। क्यों? वहाँ देखो एक कुत्ता बैठा है, और मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। तुम तो बॉक्सर हो ना, फिर क्यों कुत्तों से डरते हो? ये सही है कि मैं एक बॉक्सर हूँ, ये तुम जानती हो, मैं जानता हूँ, लेकिन इस कुत्ते को तो नहीं पता है ना, ये रिंग में थोड़ी आया है। मेरा हाथ पकड़ो। नहीं, रहने दो ना। हाथ पकड़ो जल्दी। ओहो भगवान बचाना। अरे बाप रे, देखो ये कुत्ता खड़ा हो गया, इसने भौंकना भी शुरू कर दिया। हे भगवान बचाना, ये इसी तरफ चला आ रहा है। सी, मैंने कहा था ना। सुनो, तुम बैठो ना, तुम खड़ी हो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बैठो। कोई बात नहीं, तुम बैठो, इट्स ओके। देखो, एक लड़की खड़ी रहे और मैं बैठा रहा हूँ अच्छा नहीं लगता, आओ बैठो। नो फॉर्मेलिटीज, तुम बैठो। देखो प्लीज मेरी बात मान जाओ। अच्छा बैठती हूँ, फिर कुछ मत कहना। मेरा वजन 58 केजी है। उसने जो मुझसे आके दिल में कहा, एक सुंदर सा गुलाब आके गिरा, कुछ सेकंड के लिए वो मुझसे दूर जाएगी 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 जाएगी। हेलो गुरुजी। हंसती है तो बहुत सुंदर लगती है, और नहीं हंसती है तो और भी सुंदर लगती है। कहाँ है वो बच्ची? वो मेरे ऊपर है और मैं उसके नीचे लेटा हूँ। अरे शादी से पहले सब गलत है। गुरु, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। वो फर्स्ट फ्लोर पे सो रही है और मैं ग्राउंड फ्लोर पे सो रहा हूँ। ठीक है, तुमने उसे अपने प्यार के बारे में बताया? नहीं बताया ना, और कैसे बताऊं, इसी बात का टेंशन है। अभी तो थ्रिल का मजा ले रहा हूँ, कल सुबह उसको बता। हैप्पी दीपावली। ये क्या कह रहा तू? तुम ये गोली की आवाज सुन रहे हो ना? हफ्ते में एक बार यहाँ ऐसा होता ही रहता है। ये गन फाइट है, स्टंट शो की तरह ये यहाँ की आम बात है। पहले हफ्ते 7 लोग थे, इस हफ्ते में 5 लोग बचे हैं। कौन बचेगा, कौन मरेगा पता नहीं। चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं। मैं जरा रमन्ना भाई को बोलकर। ए, तू क्या ससुराल जा रहा है? कर जाएगा, चल भाग यहाँ से, नहीं तो मर जाएगा। Thank you.
मारने आए थे। रमन्ना ऑर्डर दो। मालूम नहीं मुझे, अगर गोवर्धन को मालूम हो गया ना, सबको खत्म करेगा। गोवर्धन, उस दिन वो बच गया, साले को मारना ही होगा रमन्ना। वो जल्दी मरेगा, बहुत जल्दी मरेगा। ए, इसके खून को रोको। ए, चलो यहां से। ए, जाओ जल्दी। ए, जो यहां पर बैठा था वो कहां गया? ए भाई, उसको लगता था डर। ढंग से बोल। मैंने उसे भगा दिया, अभी वो शहर के बाहर चला गया होगा। आओ। 10 मिनट में वो यहाँ होना चाहिए। इतनी जोर से मारा कि मेरा कान बंद हो गया। ए अजमल, भाई ने क्या बोला, फिर से बोलेगा क्या? 10 मिनट में वो यहाँ होना चाहिए, नहीं तो तेरे को गोली मार देगा। रे मार देगा, ये तेरा फेवरेट डायलॉग है क्या? चलना जाना तेरे को बाद में देखता हूँ, चला यहाँ से। भैया बैदा बैदा, अंडा अंडा। इस आदमी से अंडा क्यों मांग रहे हो? तुम्हें अंडा चाहिए ना? अंडा क्या, चलो मैं तुम्हें मुर्गी देता हूँ। तुम अभी तक मरे नहीं क्या? गन फायर में मैं मर चुका हूँ ये सोच रहे हो? ऐसा प्यार है तेरा मेरे लिए? तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? रमन्ना ने तुम्हें डांटा क्या? डांटा क्या, खींच के लाफा मारा। अब पंडित को उसका हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है, मेरे गाल पे देख के उसका भविष्य बता सकता है। लगता है बहुत मार खाई है। क्यों भाई, तुम क्यों इतना खुश हो रहे हो? चलो मेरे साथ। कहाँ? रमन्ना ने तुम्हें बुलाया है, अगर मैं नहीं लेकर गया तो मुझे मार देंगे। ठीक है तो पैसे दे दो। ए, अभी तक सुधरा नहीं है तू, शराब पीने से लेकर खाने तक मुझे ही बकरा बना देता है। कितना पैसा हुआ भाई? 20 रुपया। ए तू यहाँ? क्यों गधे की तरह हंस रहा है बे? मैंने तो ये सोचा था कि तू बिहार में जाकर खेती शुरू कर देगा। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, किस कदर बेइज्जती कर रहा है मेरी। क्या संदीप, कैसे हो? नमस्कार साहब। ठीक चल रहा है ना? हाँ साहब। बढ़िया है ना? हाँ। मेरे लिए एक डोसा लगाओ। क्या दिल्ली, कैसा है तू? ये जो पुलिस वाला है इससे पैसे मत मांगना, इसे जाने देना हमेशा की तरह, समझ गया ना? आते नहीं तुम आजकल? नहीं सर, आऊंगा। भाई साहब मुझे भी भूख लग रही है, मुझे इडली दो ना। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, तूने ही मेरी पानी पूरी का धंधा चौपट किया था ना, देख ले मजे में हूँ मैं। पैसा नहीं है, एडजस्ट कर लेना। ऐसे फोकट में खाने से मरना अच्छा है। फ्री में खा रहे हैं ना इसलिए कह रहा है। फोकट में खाते हैं उनके लिए बोल रहा है, मुझे नहीं। जिन्हें शर्म होती है वो कभी भी फोकट में नहीं खाया करते। हमें बेशर्म कह रहा है सर? जो फोकट में खाते हैं वो बेशर्म होते हैं, मैं नहीं। ऐसी बेशर्माई करने से अच्छा है मेरे पांव धोके वही पानी पी जा। आप सुन रहे हैं सर? मैं क्यों सुनूं? तेरे को बोल रहा है। देखिए अभी हम दोनों खा रहे हैं, मैं खाने के बाद पैसे देने वाला हूँ, ये रहा पैसा जो मैं इसे दूंगा। मैंने तो मुफ्त में नहीं खाया। अब यहाँ पर मुफ्त में कौन खा रहा है? आइए सर, आइए सर, आइए सर, सब लोगों ने अंतिम दर्शन कर लिए ना, अब मैं इनका चेहरा ढक रहा हूँ। बैठो। ठीक है बैठता हूँ। दूसरे दिन उस लड़की से तुमने क्या कहा था, मुझे बताओ। दूसरे दिन सुबह मैं उसका इंतजार कर रहा था। गुड मॉर्निंग। बाल कृष्ण सर आ गए, एक आदमी ने आकर बताया। मैं उनसे मिलूंगा तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मैं उनसे 2 दिन पहले चेन्नई में मिला था। What? कितना भरोसा रखा था तुम पर, तुम्हारे सिलेक्शन में ना आने से तुम नहीं अपसेट हुए, मैं अपसेट हो गया हूँ। 27 साल के हो गए हो, अगले साल इस कैटेगरी में शामिल नहीं हो पाओगे तुम। सिलेक्शन लिस्ट फाइनलाइज होकर दिल्ली चली गई, सेंट्रल होम मिनिस्टर से भी कुछ नहीं हो पाएगा। तुमने एक अच्छा खासा मौका गंवा दिया है। So, जब उन्होंने कह दिया कि अब कुछ भी नहीं हो सकता तो मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्योंकि मैं तुमसे सिंसियरली प्यार करता हूँ, और ये बताने के लिए मुझे एक खास जगह की जरूरत थी। What? How dare you? Who do you think you are? How can you treat me like this? हाँ? क्या तुम मुझे कुत्ते का बच्चा समझते हो जो हर जगह ले जाओगे? हाँ? मैं तुम
तुम्हारे लिए उस पागल औरत के पैरों में गिरी थी। छी! मैं तुम्हें एक एम्बिशन वाला स्पेशल आदमी समझती थी, लेकिन तुम एक आम आदमी की तरह एक लड़की को पटाने के लिए आई लव यू कहने वाले आम आदमी बन गए। अंजलि मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। अंजलि अंजलि सुनो मेरी बात सुनो प्लीज। अंजलि एक मिनट रुको, इससे बड़ी और क्या बात होगी कि एक लड़की दिल को भा गई। मैं मानता हूँ कि मेरा एम्बिशन पूरा नहीं हो पाया, लेकिन इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं है। लेकिन प्यार में हार गया तो इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। प्यार दिल में घुसता तो धीरे धीरे है, लेकिन जब निकलता है तो दिल को तोड़ कर निकलता है। जानती हो मैं तुमसे क्यों मिला, क्यों मैंने तुम्हारे मिनिएचर को तोड़ा? सॉरी बोल करके वहां से चला क्यों नहीं गया? क्योंकि तुम्हारी तकलीफ को मैंने अपनी तकलीफ समझा था। हम दोनों में क्या रिश्ता है पता नहीं तुम समझ पाओगी या नहीं, लेकिन एक बात मैं समझ गया हूं कि अगर हम दोनों मिल जाएं तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। तुम्हारी बात खत्म हो गई? मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती। मुझे तुम्हारे लिए दुख हो रहा है। अभी तुमने कहा मैंने प्यार व्यार कुछ महसूस नहीं किया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब मैं तुमसे जो कहना चाहती हूँ उसे कान खोलकर सुनो। गुड बाय। अंजलि मेरी बात तो सुनो। अंजलि अंजलि मैंने कहा ना सुनो, एक मिनट रुको। अंजलि अंजलि रुक जाओ, अंजलि रुक जाओ प्लीज। मैं तुम्हें घर पहुंचाने के लिए तुम्हारे साथ मुंबई चल रहा हूँ अंजलि। अंजलि वरना तुम्हारे घर वाले 10 सवाल पूछेंगे। मैं 1 महीने के बाद ही घर पहुंचूं तो भी मुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा, इतना भरोसा है मुझ पर। इसीलिए मेरे पापा जिस लड़के के साथ कहेंगे उस लड़के के साथ शादी करूंगी, चाहे फिर वो लड़का कैसा भी क्यों ना हो। ये भरोसा दिया है मैंने उनको। यही तुम्हारी समस्या है, मुझे अपने पापा से मिलवाओ, मैं उन्हें कन्विंस करूंगा और तुम्हारे पापा का दामाद बनकर दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है मैं तुम्हें ले चलती हूँ, पर किसी भी कारण से अगर वो नहीं माने तो फिर तुम मुझे कभी तंग नहीं करोगे। हेलो, मैं असिस्टेंट कमिश्नर तिवारी बोल रहा हूँ। हाँ बोल। रमा भाई मैं आपके ऑफिस के नीचे ही खड़ा हूँ। ऑफिस के नीचे? हाँ भाई मैं आपके ऑफिस के नीचे ही खड़ा हूँ। कमिश्नर, अरे वो असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ आ गया है, उसको यहाँ पर क्यों बुलाया, पैसा उसके घर क्यों नहीं पहुँचाया? यहाँ नहीं, कहीं और चलते हैं, चलो। टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, ये पूरी मुंबई मेरे पॉकेट में है। ए, क्या हाल चाल है अंतरे, बहुत मोटा हो रहा है, थोड़ा इसका खाना कम कर दो। चलता हूं, सलाम। उसके पापा से मिले थे, क्या कह रहे थे वो? उस दिन शाम को उन्होंने मुझे रेस्टोरेंट में बुलाया, उनके आने के आधा घंटे पहले ही मैं वहां पहुंच गया था। अर्जुन जी। हेलो सर। सो यू लव माई डॉटर? ये सोचकर उससे प्यार नहीं किया सर, मैंने अंजलि से प्यार किया है, आपकी बेटी से प्यार नहीं किया। नाइस रिप्लाई। मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा और मैं जवाब भी तुम्हें अभी दे दूंगा। सर प्लीज। तुम हैंडसम हो और बातें भी अच्छी करते हो। थैंक यू सर। लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं आए, तुमने मेरी बेटी की मदद की, इसके बदले मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। मुंबई में कोई इंडस्ट्री सेटअप करके दे सकता हूं या मुंबई की किसी कंपनी में तुम्हें जॉब भी लगवा सकता हूं, तुम जो चाहो वो मुझसे मांग सकते हो, लेकिन मैं अपनी बेटी की तुमसे शादी नहीं करूंगा। सर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चेन्नई के लिए टिकट और रास्ते के खर्चे के पैसे हैं इसमें। अंजलि चलो। ए अंजलि तुम मेरे इस फैसले से नाराज तो नहीं हो ना? नहीं पापा मैं नाराज नहीं हूं। सर एक मिनट सर। सर कोई देखते ही पसंद आ जाता है और किसी को दोस्ती करने के बाद उसके कैरेक्टर को पहचानने के बाद पसंद किया जाता है। सर मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए सर, मैं आपकी बेटी। अर्जुन मैंने तुम्हें एक बार समझाया सर, तुम्हारी समझ में नहीं आया है क्या? मुंबई में मेरी क्या ताकत है तुम्हें पता? उस दिन अचानक दंगे में उसके पिताजी चल बसे। पापा, पापा,
अगर वो जिंदा होते तो उन्हें अंजलि से शादी के लिए कन्विंस कर लेता, लेकिन उनके मरने के बाद मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं और अंजलि एक नहीं हो सकते। ये बताने के लिए कि मैं उसकी जिंदगी से हट गया हूँ और सॉरी कहने के लिए मैं उसके घर गया था। ओके, यू टेक केयर, बाय। अब मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगा। तुम इस सिचुएशन से बाहर आओ और हंसो खेलो, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम अपना ध्यान रखना। एक मिनट रुको, मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरे पापा के कातिल को जेल तक पहुंचाना होगा। मैं अगर उसको कानून के सामने खड़ा करूं तो वो आसानी से बाहर आ जाएगा, इतनी पावर है उसके पास। खुद ही अपना गुनाह कबूल करके खुद सरेंडर हो जाए कोर्ट के सामने, तभी सजा मिलेगी उसे। तुम उसे सरेंडर करा सकते हो ना? अगर तुमने ये किया तो मैं तुमसे शादी करूंगी। उसके बाप को किसने मारा? उसके कैरेक्टर को पहचानने के बाद पसंद किया जाता है सर। इससे पहले कि वो मुझे मारने की कोशिश करे, हमें उसे खत्म कर देना चाहिए। इस सब काम के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अन्ना, गाड़ी आगे लो। गाड़ी आगे लो। मेरी बात से बात कर रहे हो पता है ना? गोवर्धन, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम पुलिस में सरेंडर कर दो तो अंजलि मुझे मिल जाएगी। पुलिस को जाकर बता दो कि अंजलि के पिता को तुमने मारा है। जाओ। तुम क्या सिर्फ मारने पीटने की भाषा जानते हो? तुमने कभी प्यार किया? दो प्यार करने वालों को अलग क्यों किया तुमने? बोलो, जवाब दो। अगर वापस यहां देखा तो जान ले लूंगा। रामन्ना, तू जितना भी बड़ा हो मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूं। मैं अपनी बात मनवा के रहूंगा। भैया, पारसमणि को क्या हुआ? बोलो ना, क्या हुआ, क्या हुआ, बोलो ना। पता नहीं भाई। इसका मतलब तुम अंदर नहीं गए? भीड़ को देखकर शराब पीकर रोना शुरू कर दिया है? बस यही काम है तुम्हारा, यही काम है, यही काम है। चलो हटो यहाँ से। ये क्या हो गया इन्हें? किसी ने इन पर नींबू घुमा दिया है और वही नींबू इन्होंने खा लिया, जिसकी वजह से इनकी हालत हो गई। ओए, भगवान की दया से इतना पैसा कमाते हो तुम, फिर सड़क पे पड़ा हुआ जादू का नींबू क्यों खाया? मैं तुम्हारी मदद से खाना बना बना के उन्हें खिला रहा था, अब तुम्हारा खुद का ये हाल हो गया तो मैं क्या करूँगा? बोलो, अब इस तरह से नाच क्यों दिखा रहे हो? दांत साफ करना है क्या? कौन है ये? आंटी है, ठीक है। राउंड मैं और ये दूंगा एक। हाथ पैर काम नहीं कर रहा है फिर भी बात कैसी कर रहा है? देखो, आपको ये सीढ़ी देने के लिए कह रहे हैं। आप दोनों की सीढ़ी है, मैं ये नहीं देख सकता। अरे बाप रे, कैसे बातें करते हो? तो फिर क्या है ये? खाना कैसे बनाया जाए? भाई साहब, सीढ़ी में आपने जो बताया था उसी फार्मूले से खाना बनाकर लाया हूँ, जरा टेस्ट करके दिखाओ। मुंह टेढ़ा हो रहा है जिस तरह जलेबी टेढ़ी मेढ़ी बनती। अरे ए, क्या हो रहा है इन्हें? क्या हो रहा है भाई? मामा जी को तो फिर से दौरा पड़ गया। अरे बाप रे, तुमने कभी प्यार किया? तुम क्या सिर्फ मारने पीटने की भाषा ही जानते हो? दो प्यार करने वालों को अलग क्यों किया तुमने? रमन्ना, भाई आप चले जाओ, मैं टैक्सी से आ जाऊंगी। ठीक है मैम। रमन्ना रुको, मैं आ
जा रही हूँ। कैसे हो तुम? मिलूंगी नहीं, बात नहीं करूंगी, यही कहा था ना तुमने। देख अभी तक जिंदा हो, मरा नहीं, तेरे सामने खड़ा हूं। मैंने भी दूसरी लड़कियों की तरह गलती की, घर वालों को बताए बिना तुमसे प्यार तो कर लिया लेकिन वो हिम्मत घर जाते ही खत्म हो गई। तुमसे प्यार करके तुम्हारे साथ ही जिंदगी काटती, तुमसे ही शादी करती तो आज रानी की तरह जी सकती थी। तुम्हारे प्यार को जो धोखा दिया था, शादी करके उसकी सजा मिली है। नरक की जिंदगी है मेरी। लोगों की नजरों में मेरे पति बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन अंदर से सैडिस्ट हैं। लड़कियों का दुख देखकर अंदर से खुश होने वाले सैडिस्ट हैं। वो हर रोज मुझे दुखी करता है। मुझे डर है कि वो मेरे बच्चे को मार देगा। अपने किसी दोस्त के साथ मन खोलकर बात करने की इच्छा हो रही थी, तुम्हें देखते ही अपने आप को रोक नहीं पाई। चाहे तुम मुझसे नाराज हो पर मेरे बच्चे से तो नाराज मत हो। इसे छूकर तो देखो, इतना भी नहीं पूछोगे कि ये लड़का है या लड़की? ये लो, पकड़ो ना। ठीक है, हाँ बताता हूँ। जॉन का फोन था, कांगो से पार्टी आई है, चू बस स्टैंड पे मिलने को कह रहा है। वहाँ नहीं मिलेंगे, कहाँ मिलना है मैं बताऊँगा, फोन करके बता देंगे। इतना पिटने के बाद भी आपसे मिलने की जिद कर रहा है, सुन ही नहीं रहा है हमारी बात। क्या चाहिए बोल। तुम सरेंडर कर दो अभी। मैंने उस बुड्ढे को गोली मारी थी, किसी भी पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन लिखवा दे, चल जा। इस केस में कोई भी आई विटनेस नहीं है और ना ही कोई सबूत है, तुम सरेंडर करोगे तभी केस बनेगा, जानते हो ना, चल दे यहां से। क्यों रमन, नहीं से इतनी सारी बातें किया जा रहे हो, मुझे ऑर्डर दो, खत्म कर देता हूं इसको। अगर दोबारा तुझे यहां देखा तो मैं खुद चाकू मार दूंगा तुझे। यह हमारे का? क्यों भाई, एक्टिंग कर रहा है क्या? वहां काटा तो जान नहीं जाएगी, यहां पर काटोगे तब जान जाएगी। जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, अंदर डालो। मेरी बात सुन, ए, तुम लोग तो कुछ बोलो, उस लड़की का नाम क्या है? है? क्या नाम है उस लड़की का? अंजलि। हाँ अंजलि, क्या कह रही थी वो? तू उससे मिला था ना? मिला था ना उससे? क्या कह रही थी वो? गेटवे ऑफ इंडिया। हाय हाय। मैंने सोचा था कि रमन्ना कोई आम आदमी होगा, पर वो तो बहुत बड़ा आदमी है,
उसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। आसानी से गलती मान ले, जेल चला जाए, वो ऐसा आदमी नहीं है। अंजलि, अंजलि मैंने बहुत कोशिश की। कैसी हो? मैं अच्छी हूँ सर। हाय। मैंने पेपर में पढ़ा था कि तुम्हारे पापा का देहांत हो गया। आई एम वेरी सॉरी। इट्स ओके अंकल। ये कौन है, इतना स्मार्ट लड़का? अर्जुन, मैं इनसे शादी करने वाली हूँ। हेलो, कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेट्स। थैंक यू। फ्री होते ही मैं तुमसे मिलने आऊंगा। बाय अंजलि। बाय। बाय अर्जुन। बाय। 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 क्यों तुम्हें सरप्राइज हुआ? कुछ भी हो, मरे हुए लोग कभी वापस तो नहीं आते, फिर हम क्यों दुखी हो? आज से हम हमेशा खुश रहेंगे। तुम मुझे चाहते हो ना, तो चलो। अंजलि, बहुत दिनों से मैं यही चाहती थी, बाइक पर मैं रोड ट्रिप करूं। मैंने पापा से पूछा, उन्होंने कहा शादी के बाद अपने पति के साथ बाइक पर घूमना। अब तो तुम मिल गए हो, तो चले। अंजलि, तुम ये सब कुछ मत कहो, बस चल। अर्जुन, आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ थी, कैसा लगा? उस दिन मैं बहुत खुश था। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। आज के दिन मुझे जो खुशी मिली है, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। सिर्फ एक दिन रहने से तुम इतने खुश हो रहे हो? अगर यही खुशी जिंदगी भर चाहते हो, तो रामन्ना को सरेंडर करवाना होगा। आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। वो मुझे मिले, इसके लिए तुमको जेल जाना ही पड़ेगा। बदमाश कैका, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है ये लड़का, फिर भी तुम्हें सरेंडर करने की सलाह दे रहा है। रमन्ना, बस हुकुम तो करो, इसके साथ साथ उस लड़की को भी खत्म कर डालता हूँ, वरना ये तुम्हें तंग करता ही रहेगा। ए, शे, शर्म नहीं आती लड़की को मारने के लिए कहता है? ए, अर्जुन, ये बताओ लड़की कहाँ है? मैं उसे मिलना चाहता हूँ और उसे समझाना चाहता हूँ कि उस दिन जो कुछ हुआ वो एक एक्सीडेंट था। तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है, तुम दोनों को मिलाना है। अर्जुन, रमन्ना, ये तुम क्या कर रहे हो? साउथ अफ्रीका की पार्टी 25 करोड़ लेकर अपना इंतजार कर रही है। अर्जुन, बेकार में ही तुम टाइम खराब कर रहे हो, मैं अभी इसे खत्म कर देता हूं। तू क्या कर रहा है? तू जानता है रमन्ना का भाई है। अरे देखो देखो देखो, वो डूब रहा है, देखो। अरे कोई तो बचाओ, मेरे बच्चा डूब रहा है, कोई बचाओ उसे। अरे ए, गाड़ी रोको। ए, तुम उसे गाड़ी से उतारो। भाई वो आपका भाई है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे। ए, उसको नीचे उतारो। पर भाई, हॉस्पिटल तो बगल में ही है। चलो। हेलो। हेलो। हाँ, माय फ्रेंड, हैंड कटिंग, ब्लड, प्लीज प्लीज डॉक्टर कुछ करिए डॉक्टर। ये क्रिमिनल केस है, पहले इसकी FIR दर्ज करवाओ। डॉक्टर, उसके लिए अभी वक्त नहीं है डॉक्टर, आप जो मेडिसिन लिखेंगे वो आप ही की शॉप से खरीदेंगे सर, मैं वादा करता हूँ। आउट। दाऊद भाई। मैं दाऊद नहीं हूँ। पूछा, अभी डॉक्टर को डराना है, समझता नहीं है तू। दाऊद, डॉक्टर का नाम तो पूछो। तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट
डॉक्टर के बच्चे कितने और एड्रेस पूछो। तुम्हारा एड्रेस क्या है, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? आप लोग कहना क्या चाह रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसको समझाना है, ये तो समझ ही नहीं रहा है, क्या करे क्या करे, कोई है क्या? अरे आप रुको 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 रुक जाओ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, देखो ना मेरे भाई की जान खतरे में, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आप मेरे भगवान हो। नर्स टेक हिम इमरजेंसी वार्ड, भगवान आपका भला करे। बाबा रामण्णा की मीटिंग खत्म होने वाली है, अगर हम वहां नहीं दिखे तो अपन गए काम से। चलो जल्दी करो। बाय। हाँ क्यों ब्रदर, सिस्टर सब अच्छी है कि नहीं? बोल नहीं तो हॉस्पिटल बदल देंगे। अरे अरे माफ कर दे यार। ये ले दूध पी ले, खून बहुत बह गया है ना, इसे पिएगा तो वापस बन जाएगा। क्या हो रहा है ये, पता नहीं ये हॉस्पिटल है। बीपी बढ़ गया था, इसका मूड ठीक कर रहे हैं। आप बैठिए ना, ये देखिए चिड़ी की बेगम। ए, हाँ ये देखिए ये वरना पास ही हार जाऊंगी। अरे वाह 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 वाह, डॉक्टर जीत गई, क्या बात है। हाँ देखा, चलो चलो सब लोग बधाई दो, बधाई दो। ये मत सोचना कि तुम अपनी वर्दी का फायदा उठाकर किसी भी लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारी मौत बहुत नजदीक है। तुम hey, तुम इधर आओ, इधर आओ। तेरा नाम क्या है, कहाँ रहता है तुम? साहब साहब, ये रमन्ना का छोटा भाई है साहब। अरे रमन्ना का भाई है तुम, वही नाक वही आंखें। एनीवेज आई एम अशोक तिवारी। रामण्णा नाराज मत हो, अर्जुन तो तेरा भाई है ना? जो मर गया उसे भूल जाओ, वो जिंदा है। ए चुप रे। वो क्या है ना, रोड पे पड़े किसी को हॉस्पिटल में भर्ती किया और उसे बचा लिया, यही कह रहा है ना? आपका भाई प्यार के लिए जान देने के लिए तैयार हो गया था, सच्चा प्यार कर रहा है वो। हमने पहले भी मदद की है। ठीक है काम करता हूँ, उसके पापा को गोली मैंने मारी थी ये बताकर मैं सरेंडर हो जाता हूँ, फिर वो अपनी इच्छा से उस लड़की से शादी करके खुश रहेगा। उसके कुछ दिनों के बाद तुम लोग मेरी जमानत करवा देना। रामण्णा बहुत अच्छा रामण्णा, मैं यही सुनना चाहता था, कल मैं लॉयर से मिला था, इस केस में कोई एविडेंस नहीं मिलेगी, खुद सरेंडर कर भी लिया तो केस कोर्ट में फेल हो जाएगा। 10 दिन में भाई की जमानत हो जाएगी। जमानत मिल जाएगी, मिल जाएगी। रमन्ना ये तो गोवर्धन का एरिया है ना? मैं जानता हूँ। अरे बाप रे, हम फंस जाएंगे। सब संभाल लूंगा। नहीं रमन्ना मेरी बात मानो, गाड़ी को वापस ले लो। हेलो गोवर्धन, मैं रमन्ना बोल रहा हूँ, बहुत दिनों से तू मेरी जान लेना चाहता था ना, मैं यहीं पे हूँ तेरे घर के नीचे। ए, चलो निकालो हथियार, चलो मारो उसको। गाड़ी से नीचे उतरो रमन्ना, मैं खुद तुम लोगों को बच जाएंगे। रमन्ना हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो हमने तेरी सिफारिश रमन्ना से की उसने हम सबको गोवर्धन के सामने डाल दिया, उसके आदमियों ने हमें बहुत मारा, कैसे भी जान बचाकर यहाँ तक पहुँच पाए हम लोग। और ये हुआ कैसे? मर गए, क्या बात क्या है? क्या रे भुखड़ लोग, मैं अभी अभी सब्जी लेकर आया हूँ और तुम लोग खाने के लिए आ भी गए, क्यों रे तुम लोग मेरे खाने के पीछे पागल हो गए हो? अच्छा खाना बनाता हूँ जानता हूँ, पर इसका मतलब तुम लोग गुंडागर्दी छोड़ के यहीं पड़े रहोगे क्यों रे?
तुम लोग हमेशा मेरे बुलाने पर यहाँ आते हो, जब मैं कहता हूँ आओ खाओ जाओ तब आते हो और खा कर चले जाते हो। कभी किसी ने बताने की कोशिश की रमन्ना को कि अर्जुन उसका भाई है, वो उसकी मदद करे? क्यों रे, भूख के मारे बहरे हो गए हो क्या? ए, उसके कान पे लगी है। ए, मैं तुम लोग को रोज चिकन मटन खिला रहा हूँ, फिर तुम लोग इसका कान क्यों खा गए बे? सबका कारण तुम हो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। The outer structure is almost over. We should be done in two more days. हाँ, क्या क्या पड़ी है? अभी सर्विस स्लिप बैलेंस है। हेलो, रमना फंस गया है, गोवर्धन को बता दो। भाई रमना फंस गया, वो वहां से भागना नहीं चाहिए, वहीं खत्म कर दो। उसकी मौत इतनी भयानक होनी चाहिए कि कोई सोच भी ना सके। साले को छोड़ना मत, चलो पकड़ो पकड़ो। अगर मैं चाहूं तो अभी तुझे फंसा सकता हूं। सब लोगों की नजर तुझ पर है और वो लोग तुझे देखते ही गोली मार देंगे। बचपन में तूने मुझे मारना चाहा, लेकिन किस्मत से बच गया। लेकिन आज सोचता हूं काश मर गया होता तो आज ऐसे मर मर के नहीं जीना पड़ता। और मेरा दर्द क्या है तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारी वजह से अंजलि मुझसे दूर हो चुकी है। अर्जुन तुम्हारा पासपोर्ट दो, तुम और मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। टिकट और वीजा का बंदोबस्त कर दिया है, वहां जाकर शादी कर लेंगे और बच्चे भी वहीं होंगे, वहीं सेटल हो जाएंगे। मेरे दोस्तों ने सारा अरेंजमेंट कर दिया है। ये लो। अंजलि, मैं सीरियसली कह रही हूँ अर्जुन, उसे सरेंडर करवाना मुश्किल है, ये बात तुमने ही कही थी, और दूसरा कोई रास्ता नहीं। ये लो अर्जुन, उसे इस गन से गोली मार दो। मेरे पापा को मारने वाला खुशी से जी रहा है, इस बात को मैं झेल नहीं सकती हूँ। ये काम कर दो। क्या सोच रहे हो? मैं अच्छे से जानती हूँ तुम उसे नहीं मारोगे, तुम मारना ही नहीं चाहते। ये सच है ना? रामन्ना तुम्हारा भाई है ना? रामन्ना मेरा भाई है, ये सच है, पर उससे सरेंडर करवाऊंगा। तुम उसे भी चाहते हो और मुझे भी चाहते हो। रामन्ना एक सेकंड में मर जाए, ऐसा मैं नहीं चाहती। उसे जिंदगी भर सजा मिलनी चाहिए, यही मेरी इच्छा है। अंजलि, मेरी बात समझो। अंजलि, उसे सरेंडर करवा दूंगा ये कहकर झूठा भरोसा दिया तुमने। प्यार करने वाली अगर तुम्हारी आंखों के सामने मर जाए तब तुम्हें दर्द का पता चलेगा। अंजलि, अंजलि, ये क्या कर रही हो? अंजलि, अंजलि, पागल हो गई हो क्या? मेरी बात मारो अंजलि, छोड़ दे। तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूं? ये देख रही हो, हाथ काट के हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था, मौत के मुंह से आया हूं। वो मुझे बचपन में ही मारना चाहता था, वो मेरी जरूरत नहीं है, तुम मेरी जरूरत हो। मैं इसी के लिए लड़ रहा हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर 1 घंटे में पहुंचने वाली है। मैम साहब, और 10 रुपए दीजिए। कहाँ जा रही हो अंजलि? एक अनजान जगह पर जा रही हूँ, तुम्हें नहीं बताऊंगी। तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, मुझे फोन करना। आज के बाद कभी फोन भी नहीं करूंगी। तुम्हारा और मेरा संबंध सिर्फ एक ये सिम कार्ड तक है, इसके बाद तुम कभी मुझे मिल भी नहीं सकते। रामन्ना अरेस्ट हुआ तो मीडिया के लिए बड़ी न्यूज होगी, जिस दिन ऐसा होगा उस दिन मैं खुद ही तुमसे आकर मिलूंगी। अंजलि, क्या ये मेरी सजा है? नहीं, ये फैसला है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी नहीं सकता। नहीं जी सकते ना, तो ठीक है, करके दिखाओ। ट्रेन नंबर 12137 पंजाब मेल अपने निर्धारित समय से 2 घंटा देरी से चल रही है, धन्यवाद। कैसा अनाउंसमेंट है ये? मेरी ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई है, तुम चले जाओ अर्जुन। आज के बाद पता नहीं तुमसे कब मिलूंगा, कम से कम ये 2 घंटे मेरे साथ बिता लो प्लीज। बाय, मैं जा रही हूँ। एक मिनट रुको,
तुम्हारे जाने से पहले मैं जाता हूँ। धड़के दिल दुख में तेरे धड़के दिल दूर मुझसे अब ना जाना। मेरी अंजलि इसी दुनिया में कहीं है, लेकिन वो कहाँ है इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे अंजलि को पाना है, उसके साथ जीना है मुझे, लेकिन ये सब तभी होगा जब तुम सरेंडर करोगे, नहीं तो इन सबको तुम्हारे बारे में बता दूंगा। मैं यहाँ हूँ ऊपर, आ जाओ। चलो 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 उसको पकड़ो। जिस रमन्ना को बचपन में देखा था अब वैसा नहीं हूं मैं। मुंबई में मेरी पोजीशन क्या है पता है? सभी जगह पे मेरा कंट्रोल है। रियल एस्टेट में किंग हूं, 17 बिजनेस, 10 गैर कानूनी, 7 कानूनी। रमन्ना से सभी डरते हैं। ये सब छोड़कर एक अनजान लड़की के लिए मुझे जेल की रोटियां तोड़नी होंगी। चुपचाप गांव वापस चला जा वरना तू मर जाएगा। कब तक ऐसे परेशान होते रहोगे? तुम तो 5-स्टार होटल के मालिक बनना चाहते हो ना? तुम मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। असली मुद्दे पे आ जाओ। ठीक है, सीधा मुद्दे पर आता हूँ। तुम्हें इस गैंग से निकालने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। ए, मेरे पास 150 आइडिया है, लेकिन एक भी आइडिया काम का नहीं है। पिछली बार लगाया था आइडिया तो पगार कट गई थी। तेरा आइडिया लेकर फंसना नहीं चाहता। अरे यार गलत मत सोचो, रमन्ना जेल गया तो तुम क्या करोगे? 1.5 ग्लास चावल कम डालूंगा। रमन्ना जेल चला जाएगा तो गैंग बिखर जाएगी, तुम आजाद हो जाओगे। सही कह रहे हो, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रमन्ना का सेल फोन आधे घंटे के लिए चाहिए। ए, वो क्या भाड़े की साइकिल है क्या जो आधे घंटे के लिए ले जाने देगा? अगर उसे पता चला तो लोग काट देंगे हमको। ये लो 1 रुपया, PCO जाकर फोन कर लो और रमन्ना के फोन की बात को भूल जाओ। ए, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। क्यों, तुझे और तेरी लवर को खुश रखने के लिए मैं अपनी जान गंवा दूं? कैसी बात करता है तू? कार में नहीं चलना है? रमन्ना की तरह बड़ा आदमी नहीं बनना है? मुंबई पे राज नहीं करना चाहता? ए, तू चाहता है ना हिंदुस्तान में लोग तुझे पहचाने? कोशिश करता हूँ, जरूर मिलेगा, सेलफोन जरूर मिलेगा। लेकिन एक बात सच है, तेरे जैसे आदमी ही मेरे जैसे भोले भाले आदमी को चोरी करने पर मजबूर करते हैं। सोच मत, जल्दी जाओ, क्विक क्विक। सेलफोन को उठाना पड़ेगा, उठा। गन को खाने के चम्मच की तरह टेबल पे रखा है, अब क्या करूं? अरे पकड़ के मार साले को, मार डाल, काट दे उसे। क्यों चिल्ला रहा है? भाई हमारे साथ काम करने वाला आदमी हमें धोखा दे रहा है, उसे मारना चाहिए कि नहीं? ए, तू यहाँ क्यों आया? ओ भाई बर्तन ले जाने के लिए आया हूँ, सब गंदे हो गए, इसे साफ करना है ना भाई, लेके जाऊ। लाया क्या? नहीं हो पा रहा है। मार क्यों रहा है यार? एक सेलफोन नहीं ला सकता तू? ए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, दौड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये ले सेलफोन। सॉरी 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 यार। ये सॉरी शब्द जिसने बनाया ना, लाफा मारना चाहिए उसको। अरे बाप रे, ए इसमें लड़की का नंबर ढूंढ रहा है, वो लड़कियों से बहुत दूर रहता है। ऑडिटर मुरलीधर का नंबर। तुम क्यों उस बांस का नंबर ढूंढ रहे हो? हेलो, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स एज ऑन डेट,
टोटल, और जिनका हिसाब नहीं लिखा है, बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट्स, सारे के सारे डिटेल एक पेन ड्राइव में डालकर मेरे ऑफिस में ले आओ। सर, जो काम आपने बताया है वो बहुत बड़ा काम है, उसमें काफी समय लगेगा। आप ऐसा कीजिए, अपने किसी आदमी को हमारे ऑफिस में भेज दीजिए, आपका जो मणि है उसने हमारा ऑफिस देखा हुआ है। जो मणि है जरूरी काम से आंध्रा गया है, चाहे जितनी भी देर हो जाए लेकिन ऑफिस में लेकर आइए। ठीक है सर, ओके। अरे तुम तो बहुत कमाल के मिमिक्री आर्टिस्ट हो। ऐसा कुछ नहीं है, नाक से बोलता हूँ तो अपने आप रमन्ना की आवाज निकलती फिर है। कान से करे तो क्या तवन्ना की आवाज आएगी क्या? ए तुम कहानी बनाना छोड़ दो, ये सब प्लानिंग क्या कर रहे हो ये बताओ। वैसे तुम्हारा प्लान गलत है। वो कैसे? मनी तो मुंबई में है, अगर वो ऑडिटर मनी को फोन कर देगा तो हम तो फंस जाएंगे ना। तुम सही कह रहे हो। वेट करो, अब मैं रमन्ना की आवाज में मनी से बात करता हूँ। सेल फोन भूल गया, गाड़ी वापस ले चलो। रमन्ना। बोलिए रमन्ना। मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, तुम इसी वक्त आंध्रा के लिए निकलो और वहां पर गुंडकल में उतरो और बड़ा सा टीका लगाकर पंडित बन जाओ और वहां सबसे कहो कि शुक्रवार को बारिश होगी। क्या कहा? गुरुवार की रात को कपड़े छत पर मत सुखाना वरना गीले हो जाएंगे, समझ गया ना? ये कोड वर्ड है। ये कहोगे तो वो तुम्हें डायमंड का बॉक्स देगा, उसे लेकर वापस आ जाना। ठीक है। जा बेटा जा, तेरा इंतजाम तो कर दिया मैंने। सक्सेस। ये क्या, वापस रमन्ना के रूम में रख दो। रमन्ना के रूम में वापस रख दूं? उससे अच्छा तो मैं जाके ट्रेन की पटरी में लेट जाऊं। मैं क्या रमन्ना की बीवी हूं जो उसके रूम में बार बार जा सकता हूं? ये ले खुद जाके रख दे। नहीं रखेगा तो तू ही फंसेगा। मैं क्यों फंसूंगा? इस पर तेरी उंगलियों के निशान है। फोन करते समय ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए था। मैं क्या रमन्ना का पाइल्स का ऑपरेशन करने जा रहा हूं जो ग्लव्स पहनकर जाऊं? तुम ये बताओ, तुम रमन्ना को फंसाने का प्लान बना रहे हो या मुझे फंसाने का? रमन्ना के आने का टाइम हो गया है, जल्दी जा नहीं तो तेरे पाइल्स निकल जाएंगे। आप सेल फोन भूल कर चले गए थे तो मैं देने के लिए बाहर गया था, लेकिन जब मैं बाहर गया तो आप दिखे नहीं, तो मैं यहाँ गया। मेरे को माफ कर दो, दरवाजा बंद करो। हेलो, आप बोलिए। हाँ मणि, कहाँ हो तुम? रामण्णा ने किसी अर्जेंट काम के लिए मुझे आंध्रा भेजा है। आप बोलिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में मिलेंगे। We are from Income Tax Department, Vigilance. Give me your pen drive. ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे पास कुछ नहीं है। हमारे पास पक्की खबर है। Please cooperate with us. Pen drive दीजिए आप। Pen drive दीजिए। हाँ। आप इंक्वायरी के बाद ही जा सकते हैं। नहीं, ये चलिए हमारे साथ। ए तो मेरी बात सुन, क्या ये कोई सीक्रेट मैटर है? नहीं, शुक्रवार को बारिश होने वाली ना, वही मैटर है। ए, ये तुझे कैसे पता चला? अरे हाँ, मुझे सब कुछ बता दिया गया। ठीक है, बॉक्स ले लिया। मैंने उसे हिंदी में समझा दिया पर वो समझा नहीं। बेवकूफ कहीं के, आंध्रा में जाकर हिंदी में बोलेगा तो कैसे पता चलेगा? अरे नहीं, फिर तेलुगु में कहा शुक्रवार को बारिश जरूर आएगी। वैसे नहीं पूछना है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा पूछना। कैसे बोलूँ? बोलो बोलो। शुक्रवार के दिन तेरी औरत किसी और के साथ भाग जाएगी। जब तुम ऐसे बोलोगे तो वो बॉक्स दे देगा। यही मैटर है, तुम फोन पर वेट करते रहो, बॉक्स कैसे देता है खुद सुन लो। शुक्रवार को तेरी औरत किसी और के साथ भाग जाएगी। क्या कहा तूने? आने वाले शुक्रवार को मेरी औरत किसी और के साथ भाग जाएगी, ये कह रहा है तू? कुछ कहा था वही बोल रहा हूँ मैं। रमन्ना का भाई इधर क्या कर रहा है? तेरे भाई ने कुछ देने के लिए बोला है क्या? यस। Yes.
मेरे भाई से पैसे लेकर उसको धोखा दिया तूने, ऑडिटर को फंसा कर आईटी की रेट पढ़वा दी, रेट पढ़वा दी तूने, रेट पढ़वा दी। रमन्ना तुमसे बहुत नाराज है, ये लो रमन्ना का फोन, बात करो। रमन्ना भाई मुंबई रिक्लेमेशन के नाम से 16 क्लब्स हैं, वहाँ जो चुआ चलता है हाई लेवल का चुआ, वो सबका लाइसेंस मैंने ही दिलवाया ना आपको। गोती में हर हफ्ते जो कांचा हेरोइन ये सब आता है उसका तेरे गोदान में भेजने का बंदोबस्त तो मैंने ही करवाया है। Hi guys! ये सब काम करने के लिए मैं आपसे सिर्फ पैसा ही ले रहा हूँ ना, पर एसी टीसी एसआई सभी पैसा ले रहे हैं ना, इन्हीं में से किसी ने आपको फंसाया होगा रमन्ना भाई। बस इतना काफी है। अभी अभी आप जो देख रहे हैं ये असिस्टेंट कमिश्नर का बंगला है। ये बंगला मरीन ड्राइव में है, मुंबई की सबसे महंगी जगह पर है। अभी इस बंगले की कीमत 3 करोड़ रुपया है। 25,000 रुपया हर महीना कमाने वाला इतना बड़ा बंगला कैसे खरीद सकता है? एसीपी आशीष तिवारी अंडरवर्ल्ड रमन्ना का आदमी है, इससे ये बात साफ साफ पता चल चुकी है। चड्ढा, मैंने तो ये सोचा था कि कमिश्नर साहब आज हमें बहुत डांटेंगे, लेकिन ये तो उल्टा हमें पार्टी दे रहे हैं। बात को समझ में नहीं आ रही। ए, बकरे को बलि चढ़ाने से पहले हार पहना कर पूजा करते हैं, उसी तरह है ये। मिस्टर मैथ्यू जी, हमारे डिपार्टमेंट में से और कितने लोग रमन्ना के साथ काम कर रहे हैं आपको पता है? सर, हम तिवारी के साथ इंक्वायरी कर रहे हैं और 2 दिन में पता चल जाएगा कि और कितने लोग इन्वॉल्व हैं। उन सबको डिसमिस कर देंगे। खाओ खाओ जी। सिर्फ उनको डिसमिस करने से कोई फायदा नहीं होगा, पहले उन लोगों के बैंक बैलेंस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, प्रॉपर्टीज ये सब चेक करो। ज्यादा मीठा मत खाओ, नहीं तो फिर शुगर की बीमारी लग जाएगी। सर, आप सबका ध्यान रखते हैं। भाई डॉक्टर है त्रिवंतपुरम में। हाँ, इसीलिए सर। सर, आई एम वीर फ्रॉम नागर बॉर्डर इलाके में। सर, एक्चुअली व्हाट यू आर प्लानिंग? हिंदी में बात कीजिए, सबको अच्छा लगता है। फैंटास्टिक सर। सर, हमारा प्लान क्या है सर? पहला स्टेप, नीचे कांस्टेबल से ऊपर बड़े ऑफिसर तक कोई भी रिश्वत ले तो उसे अरेस्ट करो। किसी को परमिशन की जरूरत नहीं है, सबको मेरी परमिशन है। दूसरा, मुंबई से अंडरवर्ल्ड का नामो निशान मिट जाना चाहिए। सर, इनफैक्ट यू आर वेरी करेक्ट सर, बट सर अभी आप नए नए आए हैं, यहाँ के आधे क्रिमिनल्स को पॉलिटिकल सपोर्ट मिला है। हाँ, ये इतना आसान नहीं सर। इस तरह बताकर आपने कितनों को डराया है? रमन्ना, गोवर्धन, इन क्रिमिनल्स की मुंबई में कोई भी जगह नहीं है। सर, हमने रमन्ना का एनकाउंटर का प्लान बनाया था, पर पता नहीं कैसे मीडिया वालों को ये सब पता चल गया। अभी अगर हम एनकाउंटर करते हैं तो डिपार्टमेंट के करप्ट ऑफिसर का पता नहीं चल पाएगा सर, और हमारे डिपार्टमेंट पर मीडिया वाले थूकेंगे। अभी तो वो बच गया सर, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट का निशाना कभी नहीं चूकता सर। पहले रमन्ना को अरेस्ट कीजिए, उसे कोई भी सपोर्ट करता है या कोई आवाज उठाता है उसे भी अरेस्ट कीजिए। उसका ऑफिस, उसका गोडाउन, गारमेंट के नाम से जो स्मगलिंग करता है, इन सभी चीजों को सील कर दीजिए। ये काम अभी से शुरू हो जाना चाहिए। हम जरूर करेंगे। क्यों थॉमस, ये हो सकता है ना? हाँ, बिल्कुल हो सकता है सर। स्क्वाड बॉयज, आर यू रेडी? रेडी सर। वरचे सगळे फेस बंद करून टाक आणि घेऊन चलेला काय रमन्ना, थोड़े दिनों के लिए मेरे फोन पर कॉल मत करना। hey, मैं तुमसे बात नहीं करूं। मैं जो कह रहा हूं सुनो, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, फोन भी ट्रैप हो सकते हैं। तुम फोन रखो। आखिर उसने राजनीति दिखाई दी। थोड़े दिन के लिए हमें अपना काम बंद कर देना चाहिए,
सच कहूं तो रमन्ना, कभी कभी डरने में भी समझदारी होती है, कोई बुरी बात नहीं है। किस पुलिस वाले ने तुम्हें ऐसा कहा था? मेरी आंखों में देखकर बात कर। तुम अप्रूवर बन जाओ, तुम्हें हम सजा से बचा लेंगे, हैं? यही कहा था ना? तू कब सरेंडर हो रहा है, बोल ना। शक कर रहा है रमन्ना? इतने सालों से तेरा साथ दे रहा हूं और तू मुझ पर शक कर रहा है? मेरे अग्रवान को पकड़ा है, जाकर अपने भाई के अग्रवान को पकड़। आज जो भी ये हालत हो रही है उसका कारण वो है, उसी ने एसीपी को मारकर सारी सच्चाई प्रेस के सामने उगलवाई है, पता है तुझे? इसीलिए नया कमिश्नर आ गया है, ऑडिटर अरेस्ट हुआ है, कमिश्नर रेट, गारमेंट, सब चीजें बंद होने का कारण यही है। आज जो तू अकेला हो गया है उसका कारण भी वही है। अब जा और जाकर उससे पूछ क्यों किया है उसने ऐसा। क्यों रमन्ना, ये तो कमाल हो गया, तूने मुझे फोन किया? जब तक तू सामने नहीं है जिंदा रहेगा, सामने आते ही तुझे मार दूंगा। तेरे को चोट लगी है ना, इसलिए तड़प रहा है। क्या कहा था? रमन्ना नाम है मेरा, रमन्ना से सब डरते हैं। आज रमन्ना को डर लगने लगा? कहां तक छुपेगा, तेरे सारे दरवाजे मैंने बंद कर दिए, तेरे पास सरेंडर होने के सिवा कोई चारा नहीं है। आइए असिस्टेंट कमिश्नर साहब, एनकाउंटर करेंगे, छाती पे गोली मारेंगे तभी तो जान जाएगी। क्या रमन्ना, कैसी बातें कर रहे हो, खामखा क्यों टेंशन ले रहे हो? टेंशन ना लो तो क्या करूं, मेरे चार आदमियों को गोली मार दी, 12 को अरेस्ट कर लिया और 8 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, 10-20 लोग गायब हैं और कह दिया कि गांव चले गए। एक्शन सिर्फ तेरे गैंग पर नहीं, गोवर्धन गैंग पर भी लिया है। गोवर्धन मारा गया पता है ना, कमिश्नर बहुत नाराज हैं, तुझे अरेस्ट करने की जिद कर रहे हैं। गुस्सा मत करो, मेरी बात सुनो, कितने दिनों तक छुप छुप कर जियोगे, कहीं फॉरेन चले जाओ, 2-3 साल के लिए मुंबई मत आओ। क्या कहा, क्या कहा? मुंबई छोड़कर जाने के लिए कहते हो? इससे अच्छा कि मर जाऊं। ए, समझने की कोशिश करो, थोड़े दिन की बात है, 2-3 साल में कमिश्नर जाएगा और मैं आऊंगा उसी पोस्ट पर, फिर से तेरा राज होगा और तुझसे सवाल पूछने वाला यहाँ कोई नहीं होगा। क्या कहा तुमने, अगर उस कमिश्नर का ट्रांसफर हो जाए तो तुम इस पोस्ट पर आओगे? अब सीनियरिटी के मुताबिक मैं ही आऊंगा। सच में? हाँ बिल्कुल सच। फिर तो ट्रांसफर का इंतजार करेंगे। क्या कह रहे हो तुम? उस कमिश्नर को मैं खत्म कर दूंगा, कल ही खत्म कर दूंगा। क्या, ये क्या मजाक है? कमिश्नर मर गए तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। वो सब मैं संभाल लूंगा, मुंबई के नए कमिश्नर आप हैं। मुंबई कमिश्नर, सुनने में अच्छा लगता है। क्यों रमन्ना, कमिश्नर की गाड़ी को उड़ाने जा रहा है, इस स्पीड से कुछ नहीं होगा, 150 की स्पीड से जाएगा तभी उस गाड़ी का कचूमर निकाल सकता है। अगर तेरा प्लान सक्सेस नहीं हुआ और किसी वजह से कमिश्नर बच गया ना, तो एक बात समझ ले, तू गया काम से। स्पीड बढ़ा दी क्या? अच्छी तरह कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, कम ऑन फास्ट। अब एक बात सुन रमन्ना, तुझे ब्रेक लगाना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि जिस कार को तू उड़ाने जा रहा है उसमें कमिश्नर की बगल में तेरी लवर का बेटा बैठा हुआ है। अरे हाँ, क्या नाम है उसका, प्रवीण? हाँ, वो उसी में बैठा है। अरे वहां सामने रोकना, सामने रुकाना। सर हेलो सर, मेरी बाइक पंचर हो गई, छोटू का एग्जाम है, इसे जल्दी जाना है, क्या आप इसे जवाहर विद्यालय में ड्रॉप कर देंगे? इट्स ऑन द वे, गोरेगांव। सर थैंक यू, सर थैंक यू, सर थैंक यू सर। मैं हूं डॉन। रमन्ना स्पीड बढ़ा 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 यार। अरे ये माला इतनी पतली है और कितने पैसे मांग रहा है तू मुझसे? रमन्ना मेरी बात तो सुनो रमन्ना।
आपने गलती कर दी भाई। क्या गलती की मैंने? 10 साल की उम्र से अकेला हूँ, मेरी मदद किसी ने नहीं की, इन्हीं लोगों ने मुझे एक वक्त की रोटी दी। सब कुछ अकेले लड़कर जीता है। रमन्ना नाम से लोग डरते हैं, रमन्ना एक पावर है, लेकिन इसने एक लड़की के लिए मुझे अकेला कर दिया। ये मरे या जिंदा रहे मुझे कोई फर्क नहीं। नहीं भाई, ये बहुत अच्छा लड़का है, ये तो आपसे भी ज्यादा अच्छा है। अरे कैसा प्यार है तुम्हारा, तुम लोग एक लड़की को पटाते हो फिर उसे पागलों की तरह प्यार करने लगते हो। क्यों? क्योंकि तुम उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। तुम्हारी उम्र क्या है अभी? बहुत छोटे हो, जिंदगी में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। सुनो, तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। मैं मुंबई क्यों आया पता है? बचपन में भागा हुआ रमन्ना हम सबको भूल गया था, लेकिन हम लोग उसे नहीं भूले। हमें यकीन था वो एक दिन जरूर आएगा। उसके माँ बाप उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन हमें उसके बारे में कोई खबर नहीं मिल रही थी। सबके सब बड़े परेशान थे। उसी समय हमने इंडिया टुडे में रमन्ना के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा। उसमें उसके बारे में सब कुछ लिखा था। हमें लगा रमन्ना बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है, लेकिन पुलिस उसकी तलाश में है, वो क्रिमिनल बन गया है, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। आज जो रमन्ना क्रिमिनल बन गया है उसकी एक वजह मेरा बचपन भी है। ये दर्द अपने दिल में लिए हुए मैं उसे तलाश करने के लिए मुंबई आया। यहाँ उससे पहली मुलाकात कैसे हुई पता है? गोवर्धन, मैंने सोचा था उसका भी एक परिवार होगा और उसे वापस चलने के लिए राजी कर लूंगा, लेकिन जल्दी ही इस बात का एहसास हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब उसके बारे में और जानकारी इकट्ठी की तो एक बात और पता चली। छे, ये क्या कर रहा है? बच्चे को गोली चलाने सिखा रहा है, इसे स्कूल छोड़कर आ। मैं समझ गया कि उसके दिल में भी कहीं ना कहीं रहम है। उसकी जिंदगी में प्यार के लिए जगह है, वो किसी से प्यार करता है। अपने दिल में दर्द छुपाए अपनी प्यार की निशानी को वो बड़े ही जतन से पाल रहा है। ये सब जानने के बाद मैंने एक प्लान बनाया। सच कहूं तो मैंने किसी से प्यार नहीं किया। मेरी जिंदगी में अंजलि नाम की कोई लड़की नहीं है। रमन्ना को जो प्यार की कहानी सुनाई वो बिल्कुल झूठी थी। ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूं, ये प्यार की एक काल्पनिक कहानी है। प्यार में हारा आदमी कभी नहीं चाहेगा कि दूसरा आशिक भी हारे, क्योंकि वो प्यार का दर्द जानता है। प्यार के नाम पर रमन्ना को जो कहानी सुनाई थी वो मेरा पहला झूठ था। पता है इसकी शुरुआत कैसे हुई? उस दिन लड़ाई में रमन्ना के हाथों से एक आदमी की मौत हो गई थी और उसे मैंने अपनी काल्पनिक प्रेमिका का पिता बना दिया। मैं जानता था कि अपने पिता के सामने रोती हुई लड़की का चेहरा रमन्ना को किसी भी सूरत में याद नहीं रहेगा। अंजलि से पहली बार मिलने से लेकर उसके साथ झगड़ा होने तक सारी की सारी बातें जो मैंने रमन्ना को बताई थी, उसका एक ही मकसद था, रमन्ना के दिल में रहम पैदा करना और वापस अपने साथ ले जाना। उसने मेरे लिए जन्म लिया है, उसका नाम है अंजलि। मैं अच्छी तरह जानता हूं किसी न किसी दिन रमन्ना को पुलिस गोली मार देगी। उससे पहले अगर वो अपने गुनाह कबूल करके पुलिस के सामने सरेंडर कर दे तो शायद उसकी जान बच जाए। अपनी सजा पूरी करने के बाद जब बाहर आएगा तो रमन्ना अच्छा इंसान बन जाएगा, यही मेरा मकसद है। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूं, मुझे मेरा भाई चाहिए, जिंदा चाहिए। मैंने कभी अपने भाई के लिए अच्छा काम नहीं किया। जब उसे होश आए तो कहना रमन्ना ने सरेंडर कर दिया है। नहीं, उसके भाई ने सरेंडर कर दिया है।
अच्छा बनने की कोशिश करना, जल्दी बाहर आओ, अब जाओ। मैडम इससे आगे रास्ता नहीं है, शादी का मंडप बस बाजू में ही है। ए सिक्सर मारा। चार, 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 ये क्या कर रही हो? ठंड बढ़ गई है, बच्चों को कंबल तो ओढ़ाइए, जाइए अंदर जाइए। ए मीनल, मेरे बड़े बेटे की शादी करवानी है। सच कह रही हूँ मैं? ये लेटर पढ़ के सुना तो। ले जोर से पढ़ना। मेरी प्यारी माँ रमन्ना का प्रणाम, आप कैसी हो? 27 दिन और लगेंगे मुझसे मिलने के लिए। मैं गुनहगार बनकर आप लोगों से मिलना नहीं चाहता था, इसलिए इतने साल लगे आप लोगों से मिलने के लिए। यहाँ शहर आते ही मैंने जो दुनिया भर की गलतियाँ की थी उसके लिए मुझे हाथ दुखने तक मारो माँ, दुनिया भर की गाली दो माँ, मुझे माफ कर दो माँ, एक बार तो कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। मैं यही चाहता था माँ, मैं जिस भाई को दुश्मन समझ रहा था आज उसी भाई की वजह से जिंदा हूँ। अगर वो नहीं होता तो मैं मुंबई पुलिस के हाथों कुत्ते की मौत मरता। पापा से कह देना कि बड़ा बेटा आ रहा है। ओ मौसी, जो लेटर में लिखा था वो तो पहले ही पढ़ लिया, फिर मुझे परेशान क्यों किया? तुम्हें क्या लगता है मैं फालतू कामों के लिए बैठी हूँ? आई बड़ी। हाँ, ये लो। बेटा अब तक तेरे भाई का लेटर तेरी माँ ने पढ़ लिया होगा। ए, चल वहाँ गली में खड़ा जा तू। ओ देखना उछाल के मारेगा। ये आया है। अरे पकड़ 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 पकड़। अरे छूटा नहीं चाहिए। आई। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। ओ माय गॉड। ए इडियट, तुम अंधे हो क्या? टूट गया, पूरा टूट गया। यू आर सच अ इडियट। मेरे दोस्त की शादी के लिए ढूंढ ढूंढ कर ये गिफ्ट लाई थी पर तुमने तोड़ दिया। अब मैं क्या करूं? हेलो हेलो, टेंशन मत लीजिए, मैं ठीक कर दूंगा। सीढ़ी तो टूटा है इसका, देखो ऐसे लगा दूंगा। हाँ चिपका दूंगा, टेंशन मत लीजिए। आप मंडप पहुंचिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ। हाँ ओके।